लास्ट डे मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बताया था, फिर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन बताया था, और टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का भी रिलेशन बताया था। कोई मुझे याद दिलाएगा कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होता है? कोई याद दिलाओ मुझे, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होता है? सर, अगर एक पॉइंट के अबाउट हर फोर्सेस एक्स्ट्रा फोर्सेस का टॉर्क अगर बॉडी पर जीरो आ रहा है, वेक्टर सम ऑफ टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस, तब उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, ये ठीक है, याद है आपको, ठीक है। और एंगुलर इंपल्स क्या होता है? एंगुलर इंपल्स क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्टिव और इसका वैल्यू क्या मिलता है हमें? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, चलो ये भी याद है। चलो ठीक है, अभी आप यहाँ से हम प्रोसीड कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन से, छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के लिए। A uniform rod of M, L, mass or length भी है, is placed on a smooth horizontal table. Horizontal table. A linear impulse J is applied at one extreme end at an angle of theta with the rod, at an angle theta with the rod. Find the angular velocity of the rod after the impulse. ये आपको निकालना है कितना आएगा? देखो मैं कर रहा हूँ, चेक करो। मैं टेबल के सरफेस का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है? टॉप व्यू ऑफ टेबल, टेबल को टेबल के ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखना है आपके आपको? एक टेबल रखा हुआ, एक टेबल पे एक रॉड रखा हुआ है, तो रॉड आपको एकदम बिल्कुल वैसे एक स्ट्रेट रॉड की तरह ड्रॉ कर लो इसको। ये अपना एक स्ट्रेट रॉड है, ठीक है, और इस स्ट्रेट रॉड पे हमने एक एक्सट्रीम एंड पे एक लीनियर इंपल्स लगा रखा है, ठीक है, दिस इज जे, ये लीनियर इंपल्स दे रखा है। तो लीनियर इंपल्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, नहीं होता? होते हाँ सर, और ये आपको पता है ना कि जैसे ये किसके लिए, चेंज इन मोमेंटम किसके लिए है? सेंटर ऑफ मास के लिए, राइट? क्योंकि आपको पता है वेक्टर, मतलब सारे फोर्सेस कहाँ से लगते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए, बाकी सारे पॉइंट के लिए तो वो डिपेंडेंट होता है ना, राइट? तो जब हम डेल्टा जे निकालेंगे तो उसके लिए डेल्टा पी क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कितना चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। तो इसको जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? J is equal to m into, initially तो velocity zero थी and final velocity मान लेते हैं v cm हो चुका है and minus of zero कर लिया, तो यहाँ से देखो आपको v cm मिल गई है कि velocity of center of mass कितनी हो जाएगी, that will be J by m आएगा, ठीक है? मतलब आप यहाँ से दिखा सकते हो कि यहाँ पे अगर ये center of mass है तो इसके पास एक velocity आ गई है, this is v cm,
हेलो सर 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 कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सर सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। हाँ सर सर बहुत समय से। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है देखो जब चेक करो मेरे को फिर से कर देखो। उसने कह रखा है कि एक रॉड रखा हुआ है और टेबल पे एक रॉड रखा हुआ है उसके एक एक्सट्रीम है और वो रॉड के लेंथ से वो थीटा एंगल पे अप्लाइड है। तो मैं लीनियर इंपल्स देखो एक दिखा रहा हूँ एक एक्सट्रीम एंड पे एंड दिस इज जे एंड ये रॉड के लेंथ के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो इस लीनियर इंपल्स के आप कॉम्पोनेंट भी वेट कर सकते हैं जे कॉस थीटा आपका जे साइन थीटा। देखो जो लीनियर इंपल्स मिला है उस लीनियर इंपल्स की वजह से जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका इंपल्स के डायरेक्शन में ही बेसिकली मूव कर जाएगा। तो ये इंपल्स का लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं और इसी लाइन पे दिखा के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगी। सो दिस इज वीसी1 एंड इंपल्स मोमेंटम थ्योरी से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एम इनटू वीसी1 माइनस ऑफ 0। तो यहां से आपको वीसी1 का वैल्यू है दैट इज जे। यहाँ तक क्लियर है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। अब देखो अगर आप एक एक्सट्रीम एंड पे स्ट्राइक कर रहे हो उसकी वजह से ये घूमेगा तो जैसे आप इन फाइट पे करते हो तो पेन तो स्पिन करके जाता है ना तो बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पे क्या होगा ये स्पिन करके भी जाएगा। तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी पक्का ही आना है। ये एंगुलर वेलोसिटी देखो ओमेगा दिखा रहे हैं। अब ये एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा ये कैसे निकालें? अब वे सेम लॉजिक है linear impulse equal to change in linear momentum impulse equal to in angular moment लिखेंगे। अब angular impulse कैसे निकालेंगे सोचो जैसे अगर सोचो कि एक extreme end पे जब हम force निकालते हैं तो integration of f r cross f जब हम करते हैं ज़्यादा ऐसे लिखे dt जब हम करते हैं इसे हम बोलते हैं कि ये आपका linear impulse बनता है। अब j अगर angular निकालना सोचो तो आप क्या करोगे integration of r perpendicular into f एंड इनटू डीटी करोगे करोगे नहीं करोगे? हाँ सर टाउ डीटी करना है ना टाउ डीटी तो कर तो आर इनटू एफ टाउ डीटी होगा या फिर उल्टा भी कर सकते हैं आप आर इनटू एफ परपेंडिकुलर किया एंड डीटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एग्जैक्टली यही तो आपका यू नो एंगुलर इंपल्स हो गया। इसी को तो आप यू नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बोलते हो। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ से आर को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ परपेंडिकुलर इनटू डीटी एफ परपेंडिकुलर इनटू डीटी ये वाली क्वांटिटी से आपको क्या मिल जाएगा? देखो तो ये वाली क्वांटिटी क्या मिल जाएगा आपको क्या ये चेंज इन डीटी क्या चेंज मोमेंटम एफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा आपको? समझ आ रही है आपको? ये जो एफ एफ लीनियर मोमेंटम है ना राइट और ये चेंज मोमेंटम लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड। समझ आ रही है आपको? हाँ सर ठीक है। तो अभी आप सोचो इसी तरह से सोचो कि अगर मैं यहाँ से ये जो एफ डी टी जो एफ परपेंडिकुलर टू डी टी जो लिख रखा है ये वाली क्वांटिटी ही तो इम्पल्स है परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड। तो देखो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड इम्पल्स कौन सा है? जे साइन थीटा है ना दिख रहा है आपको जे परपेंडिकुलर कौन सा है? जे साइन थीटा दिख रही है आपको राइट तो जे साइन थीटा को जब मैं एल बाई टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो वहां से ही तो आपको एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इंपल्स मिल जाएगा। ये देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका एल बाई टू है एंगुलर जे एंगुलर दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम
अब जे एंगुलर की वैल्यू कितनी आ रही है, जे sin थीटा, ये लीनियर इंपल्स है, इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया l by 2, तो ये एंगुलर इंपल्स हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज ml स्क्वायर by 12 एंड इनटू ओमेगा कर लेंगे क्योंकि इनिशियली तो जीरो था तो वही किया। देखो कुछ समझ आ रही है आपको, देखो समझ आ रही है, जैसे टॉर्क कैलकुलेट करते बिल्कुल वैसे ही किया है, दिख रही है आप सभी को? J cos theta तो देखो उधर से center of mass से ही पास कर जा रहा है, इसलिए उसकी वजह से कोई angular impulse नहीं आ रहा है, J sin theta की वजह से ही angular impulse आ रही है, तो इससे आप देखो यहाँ से ये L और ये L cancel out हो गया, 8 to 6 से cancel out हो जाएगा, and omega की value आ गया आपके पास, J sin theta divided by M into L हो जाएगा, तो ये omega मिल गया आपको, यही तो निकालना। I hope आपको समझ आ गई है। हाँ I hope समझ आ गई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं टॉर्क के लिए, वर्क डन बाय टॉर्क ऑफ फोर्सेस। इमेजिन करो कि एक रिजिड ऑब्जेक्ट है और इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स कर रखा है, ठीक है, और इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मैंने एक फोर्स अप्लाई कर रखा है, फोर्स मान लो एक थोड़ा सा इंक्लाइन करके लगा लेते हैं, फोर्स ऐसा लगा रखा है सच कि ये इधर से कुछ एंगल, अच्छा इधर से ले लो, ये एंगल मान लो आपका फाइव बना रखा है, लेट अस से दिस इज फाइव, तो फोर्स के आप दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, एक कंपोनेंट आपका एफ कॉस फाइव, इसको मैं कह रहा हूँ दिस इज एफ पैरेलल, कंपोनेंट एफ साइन फाइव, इसको मैं कह रहा हूँ एफ परपेंडिकुलर, ये पैरेलल परपेंडिकुलर बेसिकली पोजिशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, ठीक है, तो ये r r के साथ रिस्पेक्ट में आपका फोर्स जो लगा रखा है उसका पैरेलल परपेंडिकुलर नाम है। अब किसकी वजह से ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं घूमेगा, इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं घूमेगा, ओरिएंटेशन चेंज करेगा, करेगा सर, यस सर, ठीक है, तो ओरिएंटेशन कैसा चेंज करेगा ये सोचो, नेक्स्ट मोमेंट पे इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ dt, ये एक बहुत ही छोटा सा एंगल घूम जाएगा ना dt का, घूमेगा? हां सर अगर आप नोटिस करोगे तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो तो सर्कुलर ही होगा ना, ओके नहीं होगा, आपको समझ आया कह रहा हूं मैं, पॉइंट का लोकस सिंस एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, रिजिड ऑब्जेक्ट है, तो हर पॉइंट तो इस एक्सिस के अबाउट ही गोल-गोल चक्कर काट रहा होगा, तो ये वाली पॉइंट जो है इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt ये d थीटा एंगल घूम चुका होगा, तो यहां से मैं दिखा रहा हूं ये वाला एंगल जो है ये दिस इज d थीटा, ठीक है, तो देखो तो जो डिस्टेंस वो कवर किया इन टाइम dt, इसको अगर मैं ds कह रहा हूं तो f परपेंडिकुलर जो है वो ds के साथ पैरेलल है ना, देखो तो नहीं है ऐसा ना, ds जो लेंथ है वो कितना है r into d theta, एंड दिस ds इज पैरेलल f परपेंडिकुलर, दिस ds इज पैरेलल टू f परपेंडिकुलर, है या नहीं है? ऐसा हां, ओके, इस केस में जब आपको वर्क डन बाय फोर्स पूछते हैं, dw वर्क डन बाय फोर्स निकालनी है मुझे, तो वर्क डन बाय फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, या फिर फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये लिखते हो, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, f परपेंडिकुलर टू ds, क्या ये लिखोगे, नहीं वर्क के लिए लिखोगे? यस सर, हां सर, तो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो कितनी आएगी, देखो f परपेंडिकुलर r into d theta, अब r into f परपेंडिकुलर क्या है, क्या ये tau है, है या नहीं है? राइट, तो इसके मतलब वर्क dw जो हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, tau into d theta आ रही है, देयरफॉर अगर आपको टोटल वर्क डन निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tau d theta इंटीग्रेटेड फ्रॉम theta 1 to theta 2, दैट्स इट, ये बिल्कुल कोरिलेशन पे है, तो ट्रांसलेशन
रोटेशन से अगर आप कोरिलेट करोगे तो सिंपली आपको मैच करता हुआ दिखेगा सब कुछ. ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, फोर्स लेते हैं और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेते हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेते हैं, राइट. यहाँ पे भी अगर देखोगे तो फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टाउ डी थीटा होगी. आपको समझ आई? हाँ सर. सर यहाँ पे बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है. ये ट्रांसलेशन रोटेशन कुछ भी कर सकता है, मतलब यू नो जैसे अगर ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन नहीं भी कर रहा है तो भी आप टोटल वर्क है. तो टोटल वर्क नहीं, ये एफ का वर्क है, जो एफ लग उसका वर्क है. सबका मैंने वर्क कहाँ निकाला है, दिस इज वर्क डन बाय टॉर्क ऑफ अ पर्टिकुलर फोर्स. ओके ओके. ये जो मतलब एफ, ये जो टाउ, एफ का क्या हुआ वर्क, ये दिस इज टॉर्क. टाउ क्या है सोचो, देखो टॉर्क ऑफ द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स अगर आप दूसरा फोर्स लगाओगे तो दूसरे फोर्स की वजह से उसका अपना वर्क. हाँ आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर. ठीक है, तो इन जनरल अगर आपको किसी भी पॉइंट पे बैठ के अगर आपको टॉर्क पता चल रहा है किसी फोर्स का कितना है, तो टॉर्क इनटू थीटा करके आप इंटीग्रेट करके आप वर्क डन बाय फोर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो देखोगे अगर तो टॉर्क का थीटा, ये कोई अलग डेफिनेशन नहीं है. ये देखो अगर मैंने देखोगे तो डिराइव जहां से किया है वो बेसिक डेफिनेशन से किया है, एफडीएसी किया है, दिख रहा है आपको, है ना? हां सर. बट एफडीएस से ज्यादा कन्वीनियंट रोटेशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रही है तो उसके लिए वर्क कैलकुलेट करना ज्यादा आसान बेसिकली टाउ डी थीटा करके होता है, इसीलिए आप टाउ डी थीटा के फॉर्म में भी रख रहे हैं. बट अगर आपको वही एफडीएसी करना है, ध्यान रखना है कि आपको एफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना है. ठीक है, मतलब घूम रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, उसके स्टार्टिंगली पॉइंट ऑफ जहां पे फोर्स लग रही है उस पर्टिकुलर जगह पे आप फोर्स देखो कि किस डायरेक्शन में लग रही है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रही है उसका डिस्प्लेसमेंट चेक करो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितनी हो रही है, उन दोनों के प्रोडक्ट से आएगा ये. आपको समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, देखो आगे देखो फिर आपको समझ आ जाएगी. इसको देखो आगे समझ आएगी, अच्छे से समझ आएगी. देखो अगर सोच के देखो, अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और वॉइस थोड़ा सा कट रहा है. हां सर, वॉइस क्लियर है? हां सर. अच्छा देखते हैं, अभी चेक करो एक बार, अभी ठीक आ रही है क्या? अभी ठीक आ रही है? हां सर. ठीक है, अभी देखो अगर मान लो कि जैसे ट्रांसलेशन में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम देखा था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या वैसे ही कोरिलेट करके क्या हम रोटेशन में भी कोई ऐसा यू नो रूल बना सकते हैं क्या? ऐसे सोच के देखते हैं. मान लेते हैं कि अगर मेरे पास टॉर्क की वैल्यू को जब हम लिख रहे हैं, कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए सोचो, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जब आप सोच रहे थे तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा, क्या हम ऐसा लिख रहे थे, याद है आपको? क्या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा d ओमेगा बाय d थीटा. अब d थीटा को आप LHS पे लेके चले जाओ तो tau about axis of rotation into d theta is equal to moment of inertia about axis of rotation into omega d omega. अब ये tau about axis of rotation क्या है, ये तो net torque है ना, right? net torque है या नहीं, क्योंकि tau equal to alpha का मतलब क्या है, net torque हो गया ये. तो net torque मतलब torque due to vector sum of all, ऐसे लिख लेते हैं, स्टेटमेंट चेंज करते हैं, वेक्टर सम ऑफ टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस, टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस, दैट्स इट. अब अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ और एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू डी थीटा, और ये थीटा वन से थीटा टू तक इंटीग्रेट किया आपने, तो इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वैसे भी फिक्स क्वांटिटी है, इसमें ओमेगा इंटू टू ओमेगा आ जाएगी और ये आ जाएगी ओमेगा वन से ओमेगा टू तक. अगर आप नोटिस करोगे तो यार ये हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा टू का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा वन स्क्वायर. अगर आप नोटिस करोगे तो यार ये चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. दिख रही है क्या आपको? दिख रही है? हां सर. सो वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे क्या हो गया, वर्क डन बाय टॉर्क of all forces, this is equal to change in rotational kinetic energy, that's it.
मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो बेसिकली सारे टॉर्क का वर्क मिला के हो जाएगा। ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशनल मैकेनिक्स। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन में भी है और रोटेशन में भी है, मतलब अभी तक जो मैंने किया वो आपका प्योर रोटेशन तक का करके दिखाया। अब मान लो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी कर रहा है रोटेट भी कर रहा है, तो उस केस में ट्रांसलेशनल वर्क जो होगा वो सेंटर ऑफ मास को बेसिकली एक्सेलरेट कराने के लिए यूज होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज होगा। और जो रोटेशनल वर्क होगा वो बेसिकली यू नो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज होगा। तो उस केस में अगर नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज अगर लिखोगे, मतलब ट्रांसलेशनल वर्क और रोटेशनल वर्क मिला के लिखोगे, तो वो वाली क्वांटिटी जो आएगी दैट विल बी चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, उन दोनों का सम करना पड़ेगा आपको। सो ये आपका टोटल हो जाएगा। सो देयरफॉर कंबाइनिंग दिस रिजल्ट विद वर्क फ्रॉम of translational mechanics, translational motion, net work done by all forces is equal to change in total kinetic energy. And total jab hum keh rahe hain is ka matlab change in translational kinetic energy and plus change in rotational kinetic energy. Or change in translational kinetic energy matlab half of m into vcom ka square minus ucom ka square, matlab center of mass ke liye. And rotational kinetic energy matlab half of icom into omega 2 ka square minus of omega 1 ka square. Aapko samajh aa rahi hai? Haan sir, aapko samajh aa rahi hai? तो इससे आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर किसी फोर्स का ट्रांसलेशनल वर्क स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, मतलब ट्रांसलेशनल वर्क ऑफ अ फोर्स अगर पूछे, ट्रांसलेशनल वर्क ऑफ अ फोर्स, सो दिस विल बी इक्वल टू, मतलब ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, या ऐसे लिखें फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट of COM in the direction of force. समझ आ रही है? और rotational work तो already आपको समझाया कैसे calculate करना है. Network calculate करोगे तो फिर simply force multiplied by displacement of point of application of force लिखना होता है. मतलब network done by a force अगर निकालनी है, network done by a force निकालनी है किसी एक force के लिए, so this will be equal to force multiplied by displacement of point of application of force, displacement of point of application of force in the direction of applied force, in the direction of applied force. आप देखो ये दोनों इक्वेशन का डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, ये दोनों रिजल्ट का डिफरेंस समझ आ रहा है क्या आपको, इन दोनों का रिजल्ट का डिफरेंस समझ आ रहा है? मुझे आवाज आपकी समझ नहीं आई, कि जिसने भी बोला है मुझे कुछ आवाज समझ नहीं आई आपकी, आपकी आवाज कट रही है, शायद स्पंदन बोल रहे हैं, स्पंदन आप बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी किसी को कुछ डाउट है? सर वो सेकंड वाला दोनों ही है, क्या क्या फिर से बोलिए? वो सेकंड वाला ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ही है और फर्स्ट वाला सिर्फ ट्रांसलेशन है। यस, फर्स्ट वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल वर्क है, मतलब अगर किसी को कोई पूछे कि इस पर्टिकुलर फोर्स का ट्रांसलेशनल वर्क कितना है,
तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है। अगर नेटवर्क पूछे तो उस केस में आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट पूछना है। आपको समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? हां सर ठीक है। सर सेकंड वाला में दो तो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना पड़ेगा ना सर, एक तो अगर कुछ एंगल से टर्न किया सो वो वाला भी और जो ट्रांसलेशन किया वो वाला भी। हां हां इसीलिए तो बोला ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उसमें तो ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों इंक्लूड होगा ना। ओके सर सर तो फिर नेटवर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में नेटवर्क डन बाय फोर्सेस के साथ-साथ उनका टॉर्क का भी वर्क इंक्लूड हो रहा है। हां उसमें वो भी इंक्लूड हो रहा है। समझ आई? हाँ सर। आप जैसे से देखो अभी तो जस्ट थ्योरी पढ़ रहे हो जो सबका, जब एप्लीकेशन करने जाएंगे तो फिर आप बेटर समझोगे, तब आप ज्यादा क्लियर भी होगा। एक चीज हमेशा याद रखना जैसे कभी भी आपको ऐसा कोई फोर्स लगता हुआ दिख रहा है, कोई भी ऐसा फोर्स लगता हुआ दिख रहा है जो किसी ऐसे पॉइंट पे एक्ट कर रहा है जो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है, any such a force is acting which acts at a point which is always at instantaneous rest, hamesha instantaneous rest pe reh raha hai, to us tarah ke forces ka kya point of application of force ka koi displacement hoga? nahi hoga ya nahi nahi hoga nahi hoga nahi hoga nahi hoga aur us case mein kya uska network ho sakta hai? kya uska network ho sakta hai? nahi। और अगर नेटवर्क नहीं होगा, इसका मतलब अगर नेटवर्क नहीं होगा तो इस केस में अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करो। जैसे आप इमेजिन करो, मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, अपना वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ। आप ऐसे सोचो, जैसे इमेजिन करो कि ये फोन है मेरे हाथ पे, ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे इसको हिंज कर रखा है, यहाँ पे आई हैव हिंज्ड इट, अब मैं इसको छोड़ता हूँ, ठीक है, आई एम लीविंग इट, तो ये घूम के जा रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक की एनर्जी बढ़ाना है इसके पास। अब देखो इसका रोटेशनल काइनेटिक की एनर्जी क्यों बढ़ा, अगर कोई आपसे पूछे क्यों बढ़ा रोटेशनल काइनेटिक की एनर्जी, तो आपका एक्सप्लेनेशन अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका ऑब्जर्वेशन पे। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं हिंज पे ही बैठ के देख रहा हूँ, हिंज पे बैठ के देख रहा हूँ, तो हिंज पे बैठ के देखेंगे तो हिंज से जो भी रिएक्शन आएगा उसका तो कोई टॉर्क नहीं हो सकता, हो सकता है क्या? नहीं सर। अब तो जो अब वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा? वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हाँ लग रहा है। अब इसका देखो, इसका तो एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है ना हिंज के अबाउट, हाँ सर, और इसकी टॉर्क की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, अब इसी को कोई अगर दूसरी तरह से सोचे तो दूसरी तरह से कैसे सोचेगा? कोई बोल रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने फ्रेम को सिचुएट किया है, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे सिचुएट किया है, घूम रहा है इंच के अबाउट, बट मैंने अपने फ्रेम को जो सिचुएट किया है वो यहाँ पे सिचुएट किया है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो अब क्या वेट का कोई टॉर्क आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो अब उसको घुमाया कौन? घूमता हुआ तो रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आ रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है या नहीं इसको घुमाने के लिए? यस सर। हाँ सर। अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता तो कभी घूम सकता था? आप सोचो अगर मैं यहाँ पे इसको इस फोन को अगर छोड़ दूँ गिरने के लिए, तब तो ये सिंपली ट्रांसलेट ही करेगा ना, चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में छोड़ो, तुम ऐसे भी ओरिएंट करके छोड़ो, ऐसे ओरिएंट करके छोड़ो, जिस भी ओरिएंटेशन में छोड़ोगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन हो सकता है, रोटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे और ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो वेट तो सेंटर ऑफ मास से ही एक्ट करता है, तो उसका कोई टॉर्क नहीं होगा, और टॉर्क नहीं होगा तो क्या घूमेगा? नहीं घूमेगा। वो प्योर ट्रांसलेशन हो जाएगा, मतलब अगर इसको घुमाना है तो आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लगाना पड़ेगा ताकि ये घूम सके। आपको समझ आ रही है? सोचो, अब सोचो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क किया, अब क्वेश्चन का ध्यान से सुनो, नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क किया, मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क किया ये बताओ, आपका आंसर क्या होना चाहिए? जीरो। एग्जैक्टली, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। आपको समझ आ रही है? रियलाइज कर पा रहे हो आप? हाँ सर। ओके, अब मेरा सवाल ये है कि नॉर्मल रिएक्शन ने ट्रांसलेशन रोटेशनल वर्क कितना किया? तो सेंटर ऑफ मास पे बैठो, सेंटर ऑफ मास पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का ही टॉर्क था, और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क था इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ने ही उसको घुमाया था,
इसका मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आई है वो किसकी वजह से आई है? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से. इसका मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, रोटेशनल वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, रोटेशनल वर्क नॉट द नेटवर्क, रोटेशनल वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और नॉट? यस सर. एंड दैट विल बी हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर. समझ आई? यस सर. बट अब अगर सोचो कि अगर मैंने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन ने ट्रांसलेशनल वर्क कितना किया, अब क्या बोलोगे? So zero minus rotational work. Zero minus मतलब? अच्छा network तो zero आ रहा है ना sir. अच्छा network zero है तो zero से translational work को subtract कर दिया, यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ sir. हाँ तो exactly इतना ही बोल सकते zero. इसे complicate क्यों कर रहे हो आप? ये बोल दो ना कि just translation rotational work का negative. हाँ sir. है ना, rotational work का just negative ले लेंगे तो आपको translational work भी मिल जाएगा क्योंकि network done तो zero ही है. आपको समझ आ रही है? Yes sir. हाँ sir. कि कौन से वर्क की बात हम कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं? ट्रांसलेशनल वर्क, रोटेशनल वर्क, नेटवर्क. समझ आ रही है डिफरेंस? ठीक है. अभी सोचो इसी का एक और एग्जांपल सोचो. जैसे सरफेस पे इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है. एक ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे रोल कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या स्लिप करता है? नहीं सर. नो सर. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है या नहीं? हर वक्त इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे. यस सर. है? अब इमेजिन करो कि सरफेस पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पे एक फ्रिक्शन लग रही है. तो फ्रिक्शन लग रही है तो इस फ्रिक्शन का अगर वर्क पूछा जाए आपसे तो कितना आएगा? जीरो सर. जीरो आएगा. क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है. राइट. तो फ्रिक्शन का नेटवर्क जीरो आ गया. फ्रिक्शन का नेटवर्क जीरो आ गया. बट अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, तो उस केस में फ्रिक्शन का टॉर्क दिखेगा नहीं दिखेगा? जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट है, जैसे इमेजिन करो कि यहां पे मैं इसको ऐसे रोल करा रहा हूं, जैसे ऐसे इमेजिन करो ये रोल कर रहा है. ठीक है. मैं देख ही नहीं रहा सर. आपका वीडियो फ्रीज हो गया. हां सर, फ्रीज हो गया. मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल और नॉट? यस सर. यस सर. यस. ओके. हां, मैं ये बोल रहा था, जैसे सोचो ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस के एक्शन में. जैसे मैं इसको रोल करा रहा हूँ, देखो. ठीक है, मैं इसको रोल करा रहा हूँ. तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, सोचो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहां पे फ्रिक्शन आ रही है. सोचो यहाँ पे फ्रिक्शन आ रही है, तो ये फ्रिक्शन जो होगी पैरेलल टू सर्फेस होगी? होगी नहीं होगी? होगी सर. अब जिधर भी लगे, चाहे बैकवर्ड्स लगे, चाहे फॉरवर्ड लगे, किसी भी एक डायरेक्शन में लग रही है. फिलहाल के लिए भी छोड़ देते हैं, किसी डायरेक्शन को छोड़ देते हैं. बस इतना सोचते हैं कि या तो पीछे लग रही है या तो आगे लग रही है. ठीक है. बट ये फ्रिक्शन की वजह से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या स्लिप कर रहे हैं? नहीं सर. नो. तो फ्रिक्शन का नेटवर्क कितना आया? जीरो आया. राइट. बट इनफैक्ट अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे तो मान लेते फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, तो क्या इसकी वजह से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क आ रही है? नहीं. देखो. यस सर. दिख रही है? हाँ. ठीक है. तो टॉर्क आ रही है तो इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को तो बढ़ा रहा है ना ये. समझ आ रही है? ठीक है. इसका मतलब रोटेशन में ये पॉजिटिव वर्क परफॉर्म कर रहा है. बट अगर देखोगे तो ये आगे की तरफ जा रहा था और फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, तो ट्रांसलेशन को ये अपोज कर रहा था या नहीं कर रहा था? क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है. yes, की तरफ से. तो ट्रांसलेशन में नेगेटिव वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? yes, sir. ट्रांसलेशन में इसने नेगेटिव वर्क किया और रोटेशन में क्या किया? पॉजिटिव. आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? आपको देखो, नेटवर्क डन, रोटेशनल वर्क डन, ट्रांसलेशनल वर्क डन, ये चीजें समझ आनी चाहिए आपको. ठीक है. यहां पे एक बात पूछना सर, हमें तो फोर्स का नेटवर्क डन जीरो दिख रहा है, पर हम लोग सर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्यों जा रहे हैं अचानक से, जिससे कि हमें उसका रोटेशनल वर्क दिखे? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से कितना टॉर्क है वो हमें कैलकुलेट करना है. टॉर्क तो एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होता है ना. हाँ सर, होता है. तो फिर आपको देखो, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था कि एक फोर्स का अगर ट्रांसलेशनल वर्क निकालना है तो चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी करनी है, एंड रोटेशनल वर्क निकालना है तो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी करनी है.
तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब हम लिखते हैं तो हाफ आई सी एम इनटू ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं ना? हाँ सर लिखते हैं। तो कहाँ पे बैठ के लिख रहे हैं? सेंटर ऑफ मास पे तो लिख रहे हैं ना? हाँ सर, और वो भी तो सेंटर ऑफ मास में लिख रहे हैं ट्रांसलेशन। हाँ तो फिर मैच कर जाएगा। हाँ ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट चीज अब देखो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि कोई भी फोर्स ऐसी जगह से लग रही है जो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है। उसके दो एग्जांपल दिए आपको, एक हिंज पे रिएक्शन फोर्सेस जो जनरेट होंगे और दूसरा प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ये दोनों ऐसे फोर्सेस आपको दिख रहे हैं जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोई भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के केसेस में नेटवर्क डन बाई दीज फोर्सेज बिकम जीरो। और नेटवर्क डन अगर दीज फोर्सेज का जीरो है और बाकी जो भी फोर्सेस सोचो लग रहे हैं, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सोचो कि जैसे हिंज वाला ही रॉड का एग्जांपल ले रहे थे जिसमें उसको गिरने के लिए छोड़ रहे थे, तो अदर देन नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स था? ग्रेविटी था ना? हाँ सर। हाँ सर। और ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क कर रहा है तो क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है या नहीं होता? होता है सर। और अगर टोटल मैकेनिकल कंजर्व है तो आप ये लिखोगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। और ये जो काइनेटिक एनर्जी जब आप लिखेंगे तो नेट काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। आपको समझ आ रही है? Yes, sir. समझ आ रही है? That becomes the law of conservation of mechanical energy over here. कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिखता है जहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही टॉर्क आ रहा है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ही वर्क परफॉर्म हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो उस केस में नेट वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इक्वल्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये इक्वेशन आप यूज करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस दिख रहे हैं तो फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब आप लेंगे तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम आपको बेसिकली कांस्टेंट रखना है। समझ आई? ठीक है, अब मैं ये लिख देता हूं एक बार जल्दी जल्दी, आप देखो एक बार। If we a situation where out of several forces, there are some forces which at such a point which is always at instantaneous the net work done net work done by such forces will always be necessarily zero. For example, तो यहां से अगर छोड़ेंगे तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट nx, वर्टिकल कंपोनेंट ny और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट nx भी आएगा। बट ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, व्हाटएवर इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन, ये हमें पता नहीं किस तरफ होगा, वो तो कैलकुलेट करके अभी बात पता चलता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो भी आ रही है ये अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड होगी, जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस कैन बी अलॉन्ग एनी डायरेक्शन, nx और ny की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन हम दिखा रहे हैं वर्क डन बाय n जो लिखेंगे ये आप जीरो लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंज है, हिंज आपका फिक्स्ड है, हिंज फिक्स्ड है एंड फोर्स आपका हिंज पे ही लग रहा है, इस वजह से
दूसरा एक और सिचुएशन जो आपको बताया रोलिंग के लिए, रोलिंग ऑन अ फिक्स सरफेस के लिए, तो यहाँ पे जैसे हमने इसको खींच रखा है, मान लो यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है जैसे, तो ये क्या कर रहा है, ये भी ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। बट प्योर रोलिंग अगर हो रही है, प्योर रोलिंग तभी, प्योर रोलिंग हो रही है एंड मान लो आपका वी का वैल्यू ओमेगा आर मैंने आपको दे रखा है, ठीक है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लग रही होगी, ये फ्रिक्शन आपका स्टैटिक नेचर का होगा क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है। तो फ्रिक्शन अगर स्टैटिक नेचर की है तो इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर कैलकुलेट करेंगे ये आपका जीरो होगा, ठीक है। बट अगर आप नोटिस करोगे, बट इन बोथ दीज केसेस, बोथ दीज केसेस इफ वी एनालाइज विथ रिस्पेक्ट टू सी वन, देयर इज नॉन जीरो टॉर्क ऑफ द फोर्सेस N and F, ठीक है, and hence they perform positive rotational work, and as the net work done by them is zero, their translational work is equal to negative of the rotational work. ठीक है, I hope सबको समझ आ गई है। I hope समझ आ गई है सबको। हाँ सर। तो pure rolling में friction क्या है? Dissipative force है या नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, तो ये भी important चीज़ ध्यान रखना। Thus in pure rolling friction is a non-dissipative force. Friction is a non-dissipative force, and hence, if only conservative forces act, total mechanical energy. Will be conserved. And total mechanical energy मतलब kinetic energy translational plus kinetic energy rotational plus potential energy, ये तीनों का sum आपका constant है। I hope सबको समझ आ गई है। Yes. समझ आ गई सभी को? हाँ सर। Yes. हाँ सर। ठीक है बेटा। चलो अभी अब आगे बढ़ते हैं, छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे इमेजिन करो हमारे पास एक सिचुएशन है, ये हिंज है और हिंज के पास में एक रॉड लटका रखा है, कैंड से ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास और लेंथ दी हुई है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है find pehla angular acceleration of rod after it has turned through theta, ठीक है, दूसरा पार्ट ये पूछा है angular velocity off rod when it becomes vertical. तीसरा
reaction force of hinge at horizontal and vertical position of rod. कितनी आएगी ये निकालनी है, ठीक है? तीन चीजें आपको निकालनी है. मैं शुरुआत करता हूँ. सबसे पहले थीटा से टर्न करके उसने पूछा है, तो थीटा टर्न करवा देते हैं इसको. ये हमारा रॉड थीटा से टर्न कर चुका है, ठीक है? ये एंगल थीटा होगा. यहाँ सोचो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का लोकेट कर रहा है, ये इसका सीएम है. यहाँ से इसका वेट एड कर रहा होगा, तो दिस विल बी एमजी. अगर ये हिंज अगर देखें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी रिएक्शन फोर्सेस जनरेट होगी, ये एन वाई और सोचो यहाँ से एन एक्स, इनका तो कोई टॉर्क नहीं आएगा सेंटर ऑफ मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के, वो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा सर. राइट? नो सर. तो जो भी टॉर्क आएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के, वो जो टॉर्क आ रहा है वो किसका आ रहा है? देखो तो एमजी का ही आ रहा है ना, दिख रहा है आपको? यस सर. क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है? देखो तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से इसका? L by 2 cos theta. Cos theta, that's it. तो इसका मतलब यहां से अगर मुझे टॉर्क लिखा जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट विल बी इक्वल टू mg into L by 2 cos theta, ठीक है? एंड टॉर्क को फिर हम क्या लिखते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा. सिंस मोमेंट ऑफ टॉर्क आपने एंड के अबाउट लिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको एंड के अबाउट ही लेना है. तो ml square by 3 लिखेंगे, ठीक है? याद है आपको? हाँ सर. ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. ये सब बार बार डिराइव नहीं करना है आपको, वो याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बोला था. एंड दैट मल्टीप्लाइड विद अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा. एक एल तो यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से देखो, अच्छा एम भी कट जाएगा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ रही है आपके पास 3g/2l इंटू कॉस ऑफ थीटा. देखो तो ये आ रही है, क्या आ रही है ये? हाँ सर. ठीक है, ये अल्फा थीटा डिपेंडेंट है ना? अल्फा का थीटा डिपेंडेंट है. और आपको ये तो पहला वाला पार्ट आपने निकाल लिया, देखो फर्स्ट पार्ट निकल चुका है. अब सेकंड उसने पूछा है एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल. तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू को ओमेगा इनटू डी ओमेगा बाय डी थीटा लिखूं, डी ओमेगा बाय डी थीटा, तो इसमें क्या हम वेरिएबल को सेपरेट करके, क्या इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं ओमेगा का? हां सर. हां, तो ओमेगा इनटू डी ओमेगा दैट बिकम्स 3g/2l into cos theta into d theta. और इसी को इंटीग्रेट करते हैं 0 से ओमेगा तक. 0 से ओमेगा क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि इनिशियली 0 था, एंड बाद में पाई बाय 2 वाले एंगल पे हमें निकालना है कि कितना वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा. तो 0 से लेके पाई बाय 2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे. अब ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर बाय 2, एंड ये हो गया 3g/2l. cos theta का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin theta, एंड अपर लिमिट डालोगे तो sin पाई बाय 2, लोअर लिमिट डालोगे तो sin 0. तो ये एग्जैक्टली आपके पास आ गया है ओमेगा का वैल्यू रूट अंडर 3g/l. आ गया? आ गया? Yes. अब देखो, इसमें कैलकुलस यूज करने का जरूरत ही नहीं था. सेकेंड पार्ट को करने के लिए कैलकुलस का जरूरत नहीं था. आपको ओमेगा निकालना था जब वर्टिकल हो जाएगा तब का सिचुएशन में सोचो. तो इनिशियल सिचुएशन से फाइनल सिचुएशन के बीच में अगर हम सोचे तो किसने वर्क किया है? सिर्फ ग्रेविटी ने वर्क किया है, राइट? और ये तो प्योर रोटेशन का केस है. ये प्योर, याद है तीन टाइप के मोशन होते थे, एक प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. तो ये कौन सा केस है? प्योर रोटेशन. यस. और प्योर रोटेशन पे आपका नेट वर्क डन इक्वल टू नेट चेंज इन प्योर रोटेशन. समझ आ रही है आपको? हां सर. समझ आ रही है? अपने माइक्रोफोन ऑफ रखिए, अपने माइक्रोफोन ऑफ रखिए. तो देखो मैं आपको ऑल्टरनेटिव दिखा रहा हूँ, ठीक है? ऑल्टरनेटिव चेक करिए. सिचुएशन ये है कि पहले रॉड आपका ऐसा था एंड बाद में रॉड ऐसा हो जाएगा. तो आप बताइए मुझे सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना डिस्टेंस नीचे आ गया है? L by 2 आ गया ना? देखो ये सेंटर ऑफ मास L by 2 डिस्टेंस नीचे आया है, और इस केस में अब इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का हो चुका है. आपको यही निकालना था. आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन तो वर्क कर नहीं रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ ही आपका क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो वर्क नहीं कर रहा है. तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होना चाहिए. या तो ये लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी का गेन हो गया है.
तो इस केस में mg into l by 2 ये हो गया पोटेंशियल जी का लॉस या फिर वर्किंग बाय ग्रेविटी एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर. देखो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन लिखोगे तो यही तो आएगा ना क्योंकि ये तो प्योर रोटेशन का ही केस है ना. हां सर. हां सर. तो ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ ml स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा स्क्वायर एंड देयर इज ml mg l बाय 2. ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया ये m भी कैंसिल आउट हो गया. देखो आपको ओमेगा का वैल्यू मिल गया ओमेगा इज कमिंग आउट ऑफ रूट अंडर 3g / l. देखो आंसर मैच किया. यस सर. देखो एक में आपने पहले अल्फा निकाला अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आया था फिर अल्फा को आपने ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लिखा फिर थीटा सेपरेशन किया फिर इंटीग्रेट किया वो काफी लंबा किया. बट ये भी आपको जानना चाहिए मतलब दोनों ही मेथड आपको जान के रखना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है आपको समझ आ रही है. समझ आ रही है सबको. अब नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा है रिएक्शन फोर्स हिंज कितना दे रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजिशन ऑफ रॉड पे. ठीक है अब थर्ड पार्ट पे आते हैं. Now the third part. Horizontal position of rod पहले दिखाते हैं. आप सोच के देखो इसमें जब हम forces पूछते हैं ना तो forces के लिए responsible कौन होता है acceleration है ना मतलब acceleration से ही तो हम forces निकालेंगे right है ना. Yes sir. Sir. तो आप ये सोच के देखो इसका जो center of mass है इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके बारे में सोचो. सेंटर ऑफ मास का लोकस क्या है क्या वो सर्कुलर पाथ है या नहीं है सर. हां सर. ठीक है और कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में होती है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं याद है एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल. यस सर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू आर होता है और टेंजेंशियल तो आपका यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से मिलता है याद है आपको. यस सर. या फिर वो अल्फा इनटू आर करके भी मिलता है अल्फा इनटू आर याद है आपको. Yes, sir. तो इस केस में सोचो अभी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है जीरो या नहीं है? है है ना. है सर. हां सर जीरो हो. ठीक है अब यहां से सोचो यहां से एक वेट एक्ट कर रही है. ठीक है तो इसकी वजह से तो एक घूमेगा इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी ना. आएगी आएगी सर. और ये बेसिकली उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या नहीं है. Yes. क्योंकि देखो ये उसका लोकस के पैरेलल है ना अभी बात तो सर्कुलर याद है आपको. हाँ सर. है ना समझ आ रही है सबको. तो देखो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हो नहीं सकता सेंट्रीपिटल नहीं है क्यों क्योंकि ओमेगा ही जीरो है. तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको पता चल गया वर्टिकल है तो क्या नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल ही होगा ये फिक्स हो गया क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो सेंटर ऑफ मास भी तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा ना. हां सर. क्योंकि आपको याद है ना कि सेंटर ऑफ मास को सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस से मतलब है कहां लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दिखाओगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आएगा. आर यू गेटिंग द कांसेप्ट. यस सर. तो अभी देखो इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आने वाला है टॉर्क की वजह से ये तो दिख ही रहा है. एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है एक लीनियर एक्सेलरेशन भी है सेंटर ऑफ मास का और एक नॉर्मल रिएक्शन है. तो वेरिएबल कितने हुए हमारे पास तीन हुए ना. तीन वेरिएबल हुए और तीन वेरिएबल के लिए हमें कितने इक्वेशन चाहिए तीन है ना तभी तो उनके वैल्यूज निकालोगे. तो अब एक तो सबसे पहले ट्रांसलेशन का यूज कर लो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो नेट फोर्स अगर लिखोगे क्या लिखोगे mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये समझ आई आपको. हां सर. यस सर. दूसरा टॉर्क का ही रिलेशन लिख लो. टॉर्क के लिए कौन सा इक्वेशन लिखोगे आपके लिए प्रेफरेबल पॉइंट कौन सा है एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्यों क्योंकि वहां से देखो एक अननोन फोर्स पास कर रही है. मैंने आपको ये लास्ट डे भी कांसेप्ट सिखाया था आपको याद है. हां सर. तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा. अब टॉर्क तो mg की आ रही है तो mg into l by 2 ये टॉर्क हो गई एंड दैट शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज ml स्क्वायर बाय 3 into अल्फा. m कैंसिल्स आउट एक l कैंसिल्स आउट एंड अगर आप नोटिस करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 3 / 12 आ रही है. तो ये आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई है. अब आती है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी होगी. तो देखो
जब आपको पता होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, जैसे वी की वैल्यू को आप ओमेगा इनटू आर लिखते हैं, वैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या हम टू आर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? हां सर लिखते हैं। इस एक्शन ऑफ सेंटर अगर लिखे तो क्या हम अल्फा इनटू एल बाय टू लिख सकते थे? है ना, समझ आ रही है आपको? जैसे वी की वैल्यू ओमेगा इनटू एल बाय टू करते, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना होता तो क्या करते, वी इक्वल टू ओमेगा एल बाय टू। इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ACOM is equal to omega, omega का differentiation मतलब alpha and into L by 2, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है सभी को? Yes sir। ठीक है, तो देखो ये third equation हो गई है, this is third equation। अब आराम से इनको solve करके हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। आप देखो पहले तो alpha तो already मिल चुका है, alpha मिल गया तो obviously a भी मिल चुका है, तो acceleration of center of mass जो आ रही है, यह आ रही है अल्फा एल बाई टू चाहिए ना आपने को, तो ये देखो ये 3g/4 आ रही है, ठीक है 3g/4 हो गई है। अब ये 3g/4 की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो देखो इक्वेशन क्या रही है, सो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे, तो mg-n इज इक्वल टू m इंटू ये हो गई है 3g/4 एंड देयरफॉर जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, mg/4 आ रही है। समझ आइए आपको? समझ आइए। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो आप यहाँ पे, एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो जैसे यहाँ पे ये रॉड का जो सिचुएशन हम दिखा रहे हैं, इस रॉड को हमने यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा रखा है और एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी अल्फा दिखा रखी है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा डिफरेंट एंड्स का, डिफरेंट एंड्स का, वो लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि अल्फा इंटू आर यही करके तो आप निकालेंगे ना एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। तो देखो यहाँ पे इस एंड पे कम मिलेगा आपको एक्सेलरेशन, दूर जाओगे तो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा। राइट, तो अगर फ्री एंड का एक्सेलरेशन आपसे पूछे, फ्री एंड का एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री एंड, फ्री एंड मतलब एकदम एक्सट्रीम पे, तो इसको कितना लिखोगे आप, अल्फा इंटू एल लिखोगे या नहीं लिखोगे? हाँ सर लिखेंगे। अल्फा हमने निकाला था 3g/2l निकाला था, 3g/2l के साथ l मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3g/2 आ रहा है। कोई अच्छी चीज नोट कि ये g से ज्यादा है, दिख रही है? मतलब रॉड में एक ऐसा पॉइंट है, रॉड में एक ऐसा पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन g है, वो आप आराम से निकाल भी सकते हो कि कहां पे g एक्सेलरेशन होगा। मतलब अगर कोई पूछे कि कौन सा पॉइंट जो है वो फ्री फॉल में है, तो वो कैसे निकालेंगे, ये वाले डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं, लेट अस से x है, तो इस एंड का जो एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा इनटू एक्स होगा। आपको समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं, अगर मैं चाहता हूं कि ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि कहां पे एक्सेलरेशन जी हो रही है, इफ अल्फा इज इक्वल टू जी, तो इसको इक्वेट करें, दिस इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है 3g/2l है, इनटू एक्स इज इक्वल टू जी है। देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2l/3, इसका मतलब फॉर x लेस देन 2l/3 जो एक्सेलरेशन है सारे पॉइंट्स का, ऑल पॉइंट्स ऑन रॉड, ऑल पॉइंट ऑन रॉड फॉल विद एक्सेलरेशन लेस देन g, एंड फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2l/3 ऑल पॉइंट्स ऑन रॉड फॉल विद acceleration greater than or equal to zero. समझ आ गया आपको? हाँ सर। I hope आप सबको समझ आ रही है। समझ आ रही है इसको? हाँ सर। समझ आ रही है? अब ऐसे सोचो, तो इसमें कितने सारे concepts हैं, देखो एक छोटे से example में कितने सारे concepts हैं, देखो। Imagine यहाँ पे एक ऐसा एक आपने एक को लगा और करो कि दो हमने क्या किया, दो ब्लॉक्स है एक ए और एक बी, इनको क्या किया ऐसे इसके साथ प्रेस करके छोड़ दिया, ठीक है प्रेस किया एंड देन छोड़ दिया, और नीचे मान लो ग्राउंड है। अगर आपसे पूछे कि पहले कौन सा ब्लॉक ए या बी पहले कौन सा इस रॉड के साथ कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, बताओ कौन सा कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, ए या बी? रिपीट करेंगे? यस सर। यस सर। हां, ए पहले कांटेक्ट छोड़ेगा
यस सर क्यों क्यों सो उसका एक्सीलरेशन लेस है बी से कैसे पता चल रहा है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है ना वो प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है और प्लेटफॉर्म पे रखा होने का मतलब जैसे आप अपने हाथ के ऊपर कोई चीज को रखो अपने हाथ के ऊपर पेन रख लो और अपने हाथ को जी एक्सेलरेशन से ज्यादा से नीचे गिराओ झटके से गिराओ तो वो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा हाँ सर तो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा क्योंकि जो फ्री एंड ऑफ रॉड है वो तो जी एक्सेलरेशन से ज्यादा गिर रहा है ये तो आपको ऑलरेडी समझाया मैंने तो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम बी कह रहे हैं तो बी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको तो वो रॉड जो है वो पुश करके लेके चला जाएगा नहीं जाएगा आपको समझ आ रही क्या कह रहा हूँ मैं और अगर 3g/2 से गिरेगा तब तो पुश करके ही जाएगा ना उसको तो बी वाले को क्या करेगा वो अपने साथ पुश करेगा और ए के साथ कॉन्टेक्ट छूट जाएगा समझ आई आपको क्या बोला हाँ सर ठीक है सो इफ रिलीज्ड फर्स्ट बी लूजेस कॉन्टैक्ट फर्स्ट सॉरी बी ए लूजेस कॉन्टैक्ट फर्स्ट ए लूजेस कॉन्टैक्ट फर्स्ट अच्छा ये तो हमने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे सारा कैलकुलेशन कर लिया है बट उसने एक और चीज पूछा था हमसे वर्टिकल पोजीशन पे भी पूछा था वर्टिकल पोजीशन का वर्टिकल पोजीशन पे आते हैं ठीक है अब एट वर्टिकल पोजीशन ऑफ रॉड करते हैं एट वर्टिकल पोजीशन ऑफ रॉड देखो इसका ओमेगा हमने ऑलरेडी निकाल लिया था हमने निकाला था ना ओमेगा आपका निकाला था हां सर 3gL आया था ठीक है ये ओमेगा की वैल्यू आई थी अब सोचो वापस से इस पे आते हैं कि फोर्सेस क्या-क्या लग रहे हैं पहले ये सोच के देखो एक्सेलरेशन का पहले डायरेक्शन डिसाइड करो ये सेंटर ऑफ मास है सेंटर ऑफ मास का लोकस जो है अभी भी स्ट्रेट लाइन ही है सॉरी सर्कुलर ही है ठीक है लोकस उसका सर्कुलर ही है और आपको समझाया मैंने कि सर्कुलर लोकस में एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होते हैं एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल क्या इस इंस्टेंट पे कोई मोमेंटरी क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है सोचो देखो mg जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है देखो दिख रही है और अगर mg एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है तो ऑब्वियसली टॉर्क नहीं है और टॉर्क नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है और एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा राइट नहीं सर हां तो कौन सा बचता है सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल है या नहीं क्योंकि ओमेगा का नॉन जीरो है तो ओमेगा स्क्वायर इनटू आर ये एक्सेलरेशन तो रहना ही है ना आपके पास हां सर हो गए तो ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है इस बार क्या है ये आपका वर्टिकली अपवर्ड्स है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि आपका ओमेगा स्क्वायर इनटू l/2 का होगा दिस इज सेंट्रीपिटल बात समझ आ रही है समझ आ रही है बात आपको हां सर तो 3g/2 का देखो एक्सेलरेशन आ रहा है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो 3g/2 का आ रहा है Once I've got this acceleration, अब फोर्सेशन क्या लिखो गया n minus of mg that should be equal to m into acceleration of center of mass and therefore this becomes m into 3g/2 and therefore normal reaction becomes 5mg/2 हो जाएगा समझ आया हाँ सर समझ आया है सबको yes, समझ आ रही है पक्का हाँ सर ठीक मशीन में रफ पुरी हैविंग मास मैंने आपको एटवुड मशीन तो पहले कराया है एक से दो मासेस जो लटकते हैं वो ये एटवुड मशीन है तो
उसमें पुली हम जो लेते थे वो मासलेस लेते थे और फिक्स लेते थे, बट अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मास भी दे देंगे, फ्रिक्शन भी सफिशिएंट दे ताकि स्लिपिंग ना हो रहा, ये आपको पता चले। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एक सिचुएशन दिखा देते हैं, ये मान लो इधर पे मास m है और इधर पे मास आपका m2 है, रोक मासलेस है, बट यहाँ पे पुली के साथ को दिया हुआ डेटा, पुली हैज मास mp एंड रेडियस r and moment of inertia about c1 equal to i0, ये भी आपको दे रखा है, ठीक है, these things are given to you। अब आपको ये पूछा है उन्होंने कि अगर slipping नहीं हो रही है, मतलब friction is sufficient, उसने क्या रखा है, friction is sufficient to prevent slipping, prevent slipping between एंड पुली, अब आपको ये निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 ये कितनी होगी, अल्फा ऑफ पुली कितनी होगी, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कितनी होगी, और तीसरा टेंशन इन the two sides of the pulley, tension in the string on the sides of the pulley, tension in the string on two sides of pulley, ये कितनी होगी, ये भी निकालिए, ये तीन चीजें निकालनी है। अब सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं फिलहाल के लिए इस डायग्राम में m2 m1 से बड़ा है, तो m2 अगर m1 से बड़ा है पक्का है ना m2 नहीं रहेगा और m1 ऊपर जाएगा, ये पता है ना आपको, राइट? हाँ सर। और सिंस एंड टू एंड कनेक्शन एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग कांस्टेंट अभी भी होल्ड करेगा, तो स्ट्रिंग का लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए m1 जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा m2 उसी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, है ना? हाँ सर। दिख रही है आपको? और अगर मैं कह रहा हूँ कि पुली, मैं कह रहा हूँ कि पुली स्ट्रिंग के ऊपर नहीं चल रहा है तो पक्का है कि स्ट्रिंग जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना स्ट्रिंग, देखो तो पुली के ऊपर दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो पुली अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ, सॉरी स्ट्रिंग अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ पुली भी जो है वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, समझ गए आपको? अब पुली को घुमाएगा कौन, ये सोच के देखो, पुली को कौन घुमाएगा, टेंशन, टॉर्क, हाँ टॉर्क घुमाएगा। तो अगर जो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में अगर मैंने टेंशन सेम दिखा दिया तो क्या पुली कभी भी घूमेगा? नो सर, नहीं घूमेगा। नहीं सर। तुम सोचो इधर से जो टेंशन दिखा रहे हो T1 दिखाया, ऑब्वियसली यही टेंशन आप यहाँ पे भी T1 दिखाओगे, इधर से आपने टेंशन T2 दिखाया और वही टेंशन आप यहाँ पे भी T2 दिखाओगे, ठीक है? आप सेंटर ऑफ मास पे, मतलब पुली के सेंटर ऑफ मास पे बैठो और देखो कि T2 का जो टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है और T1 का जो टॉर्क आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये दोनों सेम हो जाएगा अगर T1 T2 सेम रह गए तो, दिख रहा है आपको? हाँ सर। दिख रहा है? इससे आपको पहला चीज ये पता चल रहा है कि सेम स्ट्रिंग होने के बावजूद दोनों तरफ का टेंशन क्या हो गया, डिफरेंट आ गया ना, राइट? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन है जो यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है, कल्प्रिट वही है,
अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा सा यू नो एनालाइज करके, तो कुछ ऐसा सिनेरियो दिखते हैं। ये जो स्ट्रिंग है सोचो, पूरी के ऊपर जो रैट है, ये पूरी पर रैट, और इसके इधर से आपका ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो गया, ये जा रहा है। तो हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे इस एंड पे दिखा रखा है टेंशन T2 है, सॉरी T2, इस एंड पे दिखा रखा है यहाँ पे टेंशन T1 होगा, ठीक है, ये पुलिंग फोर्सेस की तरह दिखा रहे हैं। और इस केस में सोचो, यहाँ पे अलोंग दी लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, क्या इस पे हर जगह पे सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा? लगेगा सर, लगेगा सर, क्योंकि वो तो स्लिप करना चाह रहा है ना, पुली स्लिप करना चाहेगा तो उसको तो रोकेगा ना ये, तो ये तो बेसिकली सारा DF फोर्स है या नहीं है, और ये DF फोर्स एड अप होके आपका क्या बनेगा, T1 के साथ एड अप होगा तभी तो बनेगा ना। इसी पर करके ओपन करके देखो तो आपके पास स्ट्रिंग अगर खोल दिया अगर आपने, तो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ खुला हुआ स्ट्रिंग दिखेगा, दिखेगा? हाँ सर। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे फ्रिक्शन देखो आपको यहाँ पे दिखेंगे ऐसे, तो ये सारा DF, ये सारा DF मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये सारा एड अप होके इधर T1 के साथ एड होगा तभी तो यहाँ पे T2 मिलेगा ना, समझाइए आपको? Yes sir. तो T2 will be equal to T1 plus क्या होगा, integration of DF होगा, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? हाँ sir. मैं बस आपको ये समझा कि T1 कैसे डिफरेंट हो रहे हैं, मैंने आपको दो तरीका बताया एनालाइज करने के लिए, एक कि पुली घूम रहा है, पुली को एंगुलर एक्सेलरेशन देने के लिए टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है, तो टेंशन दोनों तरफ का सेम नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर टेंशन दोनों सेम होता तो दोनों का टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट होके कैंसिल कर जाता, तो वो तो नहीं हो सकता था, तो एक तो वो बताया आपको, और दूसरा यहाँ पे भी समझाया कि फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर टेंशन दोनों डिफरेंट हो जा रहा है। आई होप यू हैव गॉट दिस, एवरीबॉडी कंफर्म इट प्लीज। यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। अब आप आराम से फ्री वर्ड डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, आप चेक करो कि आपने डायग्राम में कितने वेरिएबल चूज किए हैं, डायग्राम चेक करके मुझे बताओ कितने वेरिएबल है, क्योंकि जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन भी आपको फ्रेम करना पड़ेगा। चार इक्वेशन है तो चार वेरिएबल है, मतलब चार इक्वेशन चाहिए ही चाहिए आपको। चार इक्वेशन कहां से आएंगे अब ये सोचो, बताओ चार इक्वेशन कहां से आएंगे? एक इक्वेशन M1 का, एक ट्रांसलेशन M2 का, एक रोटेशन पुली का, तीन इक्वेशन हो गए। और एक तो सर वो आई अल्फा वाला वो सर लगा सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, वही तो रोटेशनल मैकेनिक्स हुआ ना बेटा। अच्छा, अरे हम बोल रहे हैं ट्रांसलेशन मतलब कि F इक्वल टू MA, जब रोटेशन बोल रहे हैं इसका मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ओके सर, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी यूज हो गया, अब तो और इक्वेशन तो अभी भी शॉर्ट, अभी भी इक्वेशन शॉर्ट पड़ जाए समझ आ जाए, कंस्ट्रेंट लगाना है। कंस्ट्रेंट क्या है, नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट है, है नहीं है? क्या बोला है, कंस्ट्रेंट है, नो स्लिपिंग का कंस्ट्रेंट है या नहीं है, मतलब पुली जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर तो स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है ना। हां सर, हां, इसका मतलब वो चीज का भी तो एक कंस्ट्रेंट होना चाहिए, ऐसा तो रैंडम वैल्यू ऑफ अल्फा नहीं हो सकता, अल्फा और ए को तो रिलेटेड होना पड़ेगा ना। हां सर, ठीक है, तो वो नो स्लिपिंग का कंडीशन बनेगा। तो जब भी आपके पास ट्रांसलेशन और रोटेशन का इक्वेशन लिखने के बाद वेरिएबल अगर ज्यादा हो जा रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं आपको कंस्टेंट इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे यूज किया था, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ देखो मैंने यूज किया था किस इक्वेशन में, इसमें डायग्राम में कितने वेरिएबल थे, तीन था या नहीं था? हाँ सर, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास और एक अल्फा, तीन इक्वेशन था, सॉरी तीन वेरिएबल था। तो एक तो नेट फोर्स इक्वल टू एमए लिख लिया आपने, एक नेट टॉर्क नॉट नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख लिया, तो दो इक्वेशन तो ही गए, और क्या था, कंस्ट्रेंट था। कंस्ट्रेंट आप ये भी सोचते थे कि पॉइंट जो हिंज वो स्लिप नहीं करनी है या मूव नहीं करनी है, या फिर जो कंस्ट्रेंट था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक लोकस उसका स्ट्रेट सर्कुलर है, तो वो कंस्ट्रेंट को देख के ही तो मैंने एटीएम को अल्फा इनटू आर लिखा था ना। हां सर, लिखा था, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, समझ आ रही है, ठीक है। अभी देखो, अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।
पहले ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिख लेते हैं, m2 के लिए m2g minus t2 equal to m2 into a, ठीक है? ट्रांसलेशन के लिए लिख रहे हैं, so m2g minus t2 is equal to m2 into a, ये पहली इक्वेशन हो गई है। m1 के लिए ट्रांसलेशन का इक्वेशन t1 minus of m1g is equal to m1 into a, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन है टॉर्क के लिए, तो पुली का टॉर्क के लिए इक्वेशन देख लो कितना आएगा। पुली के लिए सेंटर ऑफ मास पे बैठो, T2 into R is clockwise and T1 into R is anti-clockwise and that should be equal to ICOM into alpha लिखेंगे। तो T2 into R minus T1 into R is equal to moment of inertia about COM into alpha। R को यहाँ से हटा लो तो आपके पास आ जाएगा T2 minus T1 is equal to moment of inertia about COM into alpha divided by R। थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आएगा आपके constraint। ये चेक करो, मैं वापस एक बार पुली बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ। आप ये चेक करो, ये पुली के लिए एंगल ऑफ एक्सेलरेशन उसने ऑलरेडी दे रखा आपको कितना है, अल्फा है ना, तो इसके सारे टेंजेंशियल पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं सबके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या नहीं? यस सर। हां यस सर। तो ये सारे पॉइंट्स के पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्या ये स्ट्रिंग का ही एक्सेलरेशन है, बताओ मुझे। फिर ये गायब हो गया होगा, ऐप क्रैश कर जा रहा है आजकल। ये सारा उड़ गया, देखो पिछला 5 मिनट क्या 7-8 मिनट में जो लिखा है सारा उड़ गया। आप लोगों ने लिखा था ना इसको, तो फिर मैं फिर सारा नहीं लिखूंगा इतना भी। आप लोगों ने लिखा था ना मेरे साथ साथ? हां सर, मैंने लिखा था। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको बाद में लिख के आपको पोस्ट कर दूंगा स्क्रीनशॉट में, भी ये लिखने जाऊंगा बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं बस आपको वो पुली कंस्ट्रेंट जो था, मतलब नो स्लिपिंग का कंस्ट्रेंट जो था वो बस लिख के दिखा रहा हूं। यही सब टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज है, ऐप क्रैश कर रहा है अभी, बताओ अभी इतना मेहनत किया अभी सारा वेस्ट हो गया। ये है अल्फा। हाँ तो मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग लपेटा हुआ है इसके साथ ऐसा, so whatever saying is कि इस केस में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा that will be alpha into r, और वही एक्सेलरेशन बेसिकली आपके स्ट्रिंग का भी होगा। so this is a tangential which is alpha into r and string is going downwards with acceleration a। तो constraint क्या हो गया, no slipping condition is a का वैल्यू अल्फा से मैच करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई, सबको समझ आ गई है? हां सर। हां सर, जब इनको फाइनली आप सॉल्व करोगे ना, जब इनको पूरा कंप्लीट आप सॉल्व करोगे, सो ऑन सॉल्विंग 1, 2, 3 and 4 मतलब चार इक्वेशन जो आए, आपको जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स मिलती है वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्या आती है, वो काफी अच्छी रिजल्ट है, वो ध्यान रखने के लिए। ए की जो वैल्यू आती है, that comes out to be m2 minus m1 into g divided by m1 plus m2 plus ICOM divided by r square, ये एक्सप्रेशन आती है। अगर ये एक्सप्रेशन को देखोगे आप, तो नॉर्मली जो हम करते थे उसमें से जस्ट एक डिफरेंस है, ICOM by R square एक एक्स्ट्रा आया है, ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। दिख रहा है? अगर मान लो कि पुली मासलेस होता, अगर पुली मासलेस होता और वहां पे स्लिपिंग हो रहा होता, तो उस केस में आपको पता है कि कोई फ्रिक्शन एक्शन नहीं है, तो दोनों तरफ का टेंशन भी सेम होगा, तो उस केस में आप इक्वेशन क्या लिखते हैं, नेट पुलिंग फोर्स जो टग ऑफ वॉर से हम कंपेयर करते थे,
कि एक तरफ से पुलिंग फोर्स m2g है, दूसरी तरफ से पुलिंग फोर्स m1g है, तो उसको स्ट्रेच करके अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इमेजिन करें तो पुलिंग फोर्स कितना दिखता था, m2 minus m1 into g दिखता था, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देंगे तो m1 plus m2 से तो डिवाइड करते थे ना। हाँ सर। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी आपको करना है। अगर आप देखोगे तो जो थर्ड एक्सप्रेशन है m1 plus m2 के साथ जो तीसरा एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन मास का ही डायमेंशन है, दिख रहा है ICOM में r स्क्वायर से जब हमने डिवाइड किया तो क्या मास का ही डायमेंशन आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. बट ये क्या पूरा मास ऑफ पुली है या एक फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ पुली है? फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ पुली। फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ पुली, क्योंकि अगर जैसे ये डिस्क होता तो मास ऑफ पुली इनटू आर स्क्वायर बाय 2 करना पड़ता। कोई और ऑब्जेक्ट है जैसे अगर ये स्फीयर होता, पुली जो है वो स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 एमआर स्क्वायर करना पड़ता। तो इसका मतलब आर स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो एक फ्रैक्शन इनटू मास ऑफ पुली आएगा। इसका मतलब कि बेसिकली पूरा मास ऑफ पुली से डिवाइड नहीं करना है, एक पार्ट ऑफ मास ऑफ पुली से डिवाइड करना है जो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन में यूज हो रहा है। रोटेशन के लिए एक पार्ट ऑफ मास यूज हो रहा है, दैट इज अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन, मतलब वो एक्सेलरेशन को थोड़ा कम कर दे रहा है। तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका क्या है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं जस्ट एक ट्रिक टू रिमेम्बर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट रिमेम्बर द ट्रिक। In such cases, of objects falling under gravity, the acceleration of COM of blocks, COM with the translation name. Blocks can be given by net pulling gravitational force along the length of string. Divided by contributing mass, divided by contributing mass. ये एक ऐसा टर्म मैं यूज कर रहा हूँ जो सच में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब contributing mass नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, बस ये मैंने अपने याद रखने के लिए एक टर्म कॉइन किया हुआ है, ठीक है? Contributing mass नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब आप अगर अपने इस क्लास से बाहर निकल के किसी अच्छे टीचर को भी पूछोगे तो उसको भी नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं जैसे एक टर्म यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको याद रखने के लिए आसान हो कि कैसे यूज करना है। अब कंट्रीब्यूटिंग मास को कैसे यूज करेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। वेयर कंट्रीब्यूटिंग मास की वैल्यू, कंट्रीब्यूटिंग मास इज पहला m, पूरा लेना है मास m फॉर ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशन, फॉर ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशन। दूसरा ICOM बाय r स्क्वायर लेना है, ICOM बाय r स्क्वायर for object in pure rotation, और तीसरा m भी लेना है और ICOM by r square भी लेना है for objects in translation plus rotation। अगर translation और rotation दोनों हो रही है तो दोनों लेना है। I hope आपको बात समझ आई है, समझ आई है आपको? Yes sir। हाँ sir। इसको आप ट्रिक की तरह ही याद रखना, ठीक है? मतलब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, बट जब आपको स्कूल के एग्जाम्स वगैरह में करना हो तो ये सब मत करना, ठीक है? क्योंकि वो ये सब कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ठीक है? ये ट्रिक ही है जिसको करना है। मैं आपको इसके आगे दूसरा एप्लीकेशन वगैरह दिखाता हूँ। ये एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, मान लो
यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, इसकी मास m और रेडियस r दी हुई है, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसको फ्री टू यू नो रोल डाउन कर दिया है, द स्ट्रिंग्स द आइडियल स्ट्रिंग्स आर रैप्ड सिमेट्रिकली, रैप सिमेट्रिकली मतलब दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस है, ठीक है। आपको पूछा गया फाइन, पहला नंबर वन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरा टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, तीसरा लीनियर स्पीड ऑफ COM आफ्टर द सिलेंडर हैज फॉलन थ्रू एच, जब एच डिस्टेंस से गिर चुका है तो आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका साइड व्यू ड्रॉ करना चाहिए, मतलब साइड व्यू मतलब अगर आप साइड से देख रहे हो तो क्या दिखेगा। साइड व्यू इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उससे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो अच्छे से दिखा पाएंगे नहीं, क्योंकि टेंशन कितने दूर पे लग रहा है, क्या ये इस व्यू में विजिबल है क्या, ये सोच के देखो कि हमें जो डायग्राम दे रखा उसने, क्या इस व्यू में टेंशन कितने दूर पे लग रहा है, क्या ये विजिबल है, बस इतना दिख रहा है कि पीछे लगा हुआ है ना, पीछे लटका हुआ है, बट ये तो नहीं दिख रहा है कहां से लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसका साइड व्यू ड्रॉ करो, आपको अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। एक सिलेंडर को अगर आप साइड व्यू से देखो तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा ना मास्टर, नेट ऊपर पर बंद हो जाए मास्टर, हां मास्टर नेट चले जाए मास्टर बंद हो जाए, हां बांग्ला बुक बंद हो जाए हिंदी ना मास्टर, हां जो जे बांग्ला बोलो ना খুব ভালো বাংলা বলে, খুব ভালো ইংলিশ বলে। রুদ্রনীল, 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 তুই কথা শুনতে পাচ্ছিস আমার? রুদ্রনীল কথা শুনতে পাচ্ছিস আমার? আর ডর সে মিটিং এ ছোড় দিয়া আপ লোগো ইতনি সেন্স নেই হ্যায় কুছ লোগো কো, যখন জব আপ বাত কর রহে হো তো আপ এক বার আপনি মাইক্রোফোন কো অফ কর দেন, बिल्कुल कैजुअल होकर बात करते हैं जैसे घर पे आराम से, क्लास पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके, देखो इधर चेक करो, इसमें अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड सेट कर रही है, साइड व्यू में दिख रहा है ना आपको, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड सेट कर रही है, दिख रही है? हां सर। और इधर से देखो क्या यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रही होगी, कर रही होगी नहीं कर रही होगी, एक स्ट्रिंग होगा या दो स्ट्रिंग होगा? दो स्ट्रिंग होगा। क्या कर रहे हैं? देखो चेक करो, तो दो स्ट्रिंग है इसलिए हमने टेंशन एक का टी माना है और सिमेट्रिकली है, मतलब दोनों तरफ का टेंशन टी होगा, तो टी टी मिला के कितना हो गया, टू टी हो गया ना, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, अब देखो सिंस ये रोल डाउन कर, मतलब ये नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे गिरेगा, तो इसके लिए एक एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM मान लिया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का लोकस एक स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, होगा नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे गिरेगा, हां सर, राइट right? इसीलिए वो उसका स्ट्रेट, उसका एक्सेलरेशन जो होगा एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है। एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा ऑब्वियसली, ये ऑब्जेक्ट जो है वो घूमता हुआ गिरेगा, तो इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी दिखा रहे हैं। अब डायग्राम में सोचो कि कितने वेरिएबल हमने चूज कर लिए, तीन दिख रहे आपको, तो तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशन और तीसरा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे, ये बताओ मुझे। No slipping नहीं है यहाँ पे, तो basically ऐसा है कि वो roll करता हुआ नीचे गिर रहा है, तो basically जो point of contact of string है vertical string का,
तो वर्टिकल स्ट्रिंग का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है या नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग तो फिक्स है ना। हाँ सर, वो तो फिक्स सपोर्ट है। तो कंस्टेंट ये है, तो कंस्टेंट ये नहीं है कि स्लिप नहीं कर रहा है, कंस्टेंट ये है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसको वो रोल कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एक्सेलरेशन शेयर करना चाहिए। तो यहाँ से नो स्लिप, इसको अगर देखोगे आप, इसको डायग्राम को अगर टर्न करके सोचो, मतलब इसको ऐसे सोचो, मैं एक बार आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। देखो तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल करने जैसा दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर, हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। और जो स्ट्रिंग है वो क्या बन जाएगा, सरफेस बन जाएगा आपका। हाँ सर, क्योंकि स्ट्रिंग भी फिक्स है और हॉरिजॉन्टल सरफेस भी तो फिक्स रहता है, तो फिक्स सरफेस पे रोल करने के लिए प्योर रोल का कंडीशन क्या है, a इक्वल टू अल्फा होगा, नहीं होगा? हाँ सर, ठीक है। सो बस वही चीज है आपका। अब एक एक करके इक्वेशन लिखना शुरू करो। तो पहला इक्वेशन कौन सा आएगा आपका, ट्रांसलेशन का। Translation का equation becomes mg minus 2t is equal to m into acl, ठीक है, ये आपका पहला equation हो गया। दूसरा equation, torque के लिए कौन सा point prefer करें? क्या ये इसका ICR है? देखो तो जो point of contact है क्या इसका ICR है? सर, क्योंकि वो तो instantaneous rest पे है, वो तो string का part था ना, वो vertical string का part था और vertical string तो accelerate नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ICR हो गया। तो क्या प्रेफरेबल पॉइंट होना चाहिए हमारे टॉर्क के लिए? हाँ सर, ठीक है, इसीलिए इसको प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट बुक्स में देखोगे तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के करते हैं, मोस्ट बुक्स में, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये इतना 100% बोल सकता हूँ कि 10 में से 9 बुक, क्या मतलब 10 का 10 ही बुक वो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के करता है, बट ये प्रेफरेबल नहीं है। इससे बेटर चॉइस हमारे पास ये कि हम ICR पे बैठ के करें, उससे हमारा अननोन फोर्स का ही टॉर्क वैनिश हो जाएगा, तो उसके इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ICR will be moment of inertia with respect to ICR into alpha लिख लेंगे। अब इससे क्या लिखोगे आप, mg into r, क्या यही है टॉर्क? देखो तो है सर, हां ठीक है, तो mg into r ये टॉर्क हो गया, and then moment of inertia about ICR, ICR के about moment of inertia, since ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस का लोगे तो डिस्क दिखेगा आपको mr2/2, और mr2/2 का mr2 कितना हो जाएगा, 3/2 mr2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया, समझ आई आपको? सर, तो देखो यहाँ से आपको अल्फा आर की वैल्यू मिल गई है, सो अल्फा आर इज कमिंग आउट टू बी 2g/3r, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। और जैसे ही अब आपको अल्फा मिल गई है तो यू नो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या था, ये क्या था, का वैल्यू अल्फा है ना, मतलब इसको आप प्योर रोलिंग भी कह सकते हैं, हो रही है ना प्योर रोलिंग। हां सर, थर्ड इक्वेशन हो गया, नोटिस हो गया, तो सेकंड इक्वेशन से आपको ACM मिल चुका है, सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बिकम्स कितने हो गए, 2g/3, तो ये पार्ट का आंसर मिल चुका है, फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर मिल गया, ठीक है, ये मिल चुका है ऑलरेडी। अब ACM मिल चुका है तो देखो आप T भी निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 में यूज करके, इक्वेशन 1 में यूज करते तो आपको T का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी mg माइनस, मतलब हाफ ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ mg माइनस ऑफ 2mg/3। UCOM का square plus twice of ACOM into displacement of COM, कैसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? Yes sir. और UCOM तो आपको पता है, और मतलब 2g/3 and displacement मतलब h उसने दे ही रखा था, तो VCOM की value कितनी आ गई है? VCOM is coming out to be root under 4gh/3 आ रही है, समझ आएंगे? तुम डायमेट्रिक एक्सिस का सोच रहे हो, डायमेट्रिक एक्सिस के बॉटम में स्क्वायर बाय 4 होती है। हां सर, हां मुझे लगा वो, हां सर ठीक है सर, ठीक है ओके। अब देखो ये चीज मैंने जो निकाला है,
अब इसको मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव तरीका से करके दिखाता हूँ। इस बार मैं कंट्रीब्यूटिंग मास का कांसेप्ट को यूज करके देखते हैं। आप ये चेक करके देखो इसमें नेट ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, mg है, yes, है ना? और ये अब ट्रांसलेशन में है या रोटेशन में है या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस। तो अब कंट्रीब्यूटिंग मास का कांसेप्ट से दिखा रहा हूं, देखो इधर चेक करो। यूजिंग कंट्रीब्यूटिंग मास कांसेप्ट, ये अगेन ये मैंने आपको पहले भी बोला है, ये ट्रिक है, ये कोई मेथड नहीं है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर लिखें तो हम ये लिख सकते थे, दिस विल बी नेट पुलिंग फोर्स व्हिच इज mg डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूटिंग मास। कंट्रीब्यूटिंग मास में ट्रांसलेशन की वजह से m एंड रोटेशन की वजह से icm / r स्क्वायर। icm कितना है, mr स्क्वायर / 2 एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। देखो ये 2g / 3 आ रही है, आ रही है सर? That's it. और अगर आपको acceleration मिल गया तो velocity भी मिल जाता है। Supposedly मुझे सिर्फ v निकालना होता, सिर्फ v ही निकालना है, मुझे acceleration नहीं पूछा है, सिर्फ v निकालना है, तब आपको acceleration निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप acceleration निकाले बिना करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, work energy theorem। work energy theorem में देखो tension क्या कोई network कर सकता है, वो एक ऐसे point पे लग रहा है जो instantaneous stress पे है, है या नहीं है? Yes, तो tension तो net पे work, net work done by tension is zero. And net work done by, अगर tension zero है, तो सिर्फ gravity work कर रहा है, सिर्फ gravity work कर रहा है, तो total mechanical energy conserved नहीं है। तो v का calculation देखो, मैं आप total mechanical energy से कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी initial kinetic energy और potential energy का sum, and बाद में kinetic energy और potential energy का sum same होना चाहिए। तो potential energy का जो loss होगा, वो kinetic energy का gain होगा, ठीक है? And kinetic energy का जब आप gain लिखोगे, तो total kinetic energy लिखना। Potential energy की loss, and kinetic energy का gain होगा half of moment of inertia about ITR to omega square. क्या ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है, या सिर्फ ट्रांसलेशन है या सिर्फ रोटेशन है? ये टोटल है ना? हां सर, क्योंकि आईसीआर से तो रोटेशन ही दिखता है। आईसीआर से लिया है, आईसीआर से लिया है मतलब टोटल ही है। अगर सिर्फ ट्रांसलेशन और सिर्फ रोटेशन अलग-अलग लिखोगे तो हाफ एम इनटू वीसीएम का स्क्वायर एंड प्लस हाफ ऑफ आईसीआर इनटू ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, उससे आएगा यही। सो ये आ गया हाफ ऑफ, ये हो गई 3/2 mr स्क्वायर एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर, एंड ये हो गई आपकी mgh, m gets cancelled out, and देखो आपको omega r का वैल्यू मिल गया है, omega r is coming out to be, और सिर मिट गया होगा सारा, सारा मिट गया। पोटेंशियल एनर्जी की जो लॉस हुई है वो काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, एंड इसको लिखा आपने mgh और इसको लिखा हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट icr इनटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिखा आपने हाफ ऑफ 3/2 mr स्क्वायर एंड इसके साथ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया, एंड दैट इज mgh। m गेट्स कैंसिल आउट, एंड यहां से अगर आप देखो तो ओमेगा r का वैल्यू मिल रहा है रूट अंडर 4gh/3, और अगर ओमेगा देखोगे तो क्या यही VCM है या नहीं है? है या नहीं है? हाँ सर, हाँ सर है, ठीक है। यस, तो ऑलरेडी ये तो मैंने आपको दो मेथड से देखो करके दिखाया है, आपको जो भी अच्छा लगे आप आराम से वहां से प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है आपको? सर यहां पे P loss is equal to K gain के बाद के सेकंड लाइन में mg is equal to half icr omega square कैसे आएगा बोलेंगे? तो ऑब्जेक्ट तो h height से नीचे गिरा है ना, उसने तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो पोटेंशियल का लॉस क्या लिखोगे तो? हां सर वो तो ठीक है, वो साइड में वो कैसा है? तो काइनेटिक एनर्जी में कंफ्यूजन हो रहा है तुमको? हां सर, काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखते हैं आप बताओ मुझे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में क्या लिखते हो, और आईसीआर का सिग्निफिकेंस क्या है आप ये बताओ मुझे, आप बताओ मुझे,
आप लिखते तो क्या लिखते, आप ही बताओ आप लिखते तो क्या लिखते। ओ सर ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा था ICOM के खिलाफ होगा, COM का तो वहां से लेके ICR में जाता है। अरे हां देखो, हाफ mv स्क्वायर होगा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। हां सर वो क्लब होके ICR हो जाता है, वो क्लब होके तो एक्सिस थ्योरम। एग्जैक्टली, और तुमको तो ये सिग्निफिकेंस बताया हुआ है, ICR का सिग्निफिकेंस ही तो यही था कि एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट एक ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में है वो हमें दिखता है कि प्योर रोटेशन में। नहीं याद है, भूल गया था। फिर अब ऐसे इतनी जल्दी भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये भी एक काफी पॉपुलर सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो सिचुएशन क्या है, मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हमें दे रखा है, एंड दे गिवन दैट द सरफेस इज रफ with friction coefficient mu. और एक और चीज ये दे रखा है उसने कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, सॉरी, और इस ऑब्जेक्ट को हमने इस सरफेस पे एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी नॉट देके छोड़ दिया है, ठीक है, मतलब वी नॉट देके छोड़ा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, ओमेगा जो है अभी इस इंस्टेंट पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, मैंने कुछ दिया ही नहीं है, बस मैंने ऐसे प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया है, तो प्रोजेक्ट करके छोड़ा तो ये प्योर ट्रांसलेशन है ना अभी, है या नहीं है? हाँ सर है। और अगर प्योर ट्रांसलेशन इनिशियल, बोलो कोई कुछ पूछ रहे हो? इनिशियली तो नहीं है सर प्योर ट्रांसलेशन। हाँ तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी वेलोसिटी तो राइट की तरफ ही होगा ना इस वजह से। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर वेलोसिटी राइट की तरफ है तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा। यस सर। और ये फ्रिक्शन का नेचर जो होगा वो काइनेटिक होगा। हां सर। राइट, क्योंकि क्यों? क्योंकि ये स्लिप कर रहा है, आपको पता है। हां सर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे फ्रिक्शन दिखा रहा हूं और ये फ्रिक्शन श्योर होके कह सकते हैं काइनेटिक है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स ऑफ एमजी आ जाएगा। आएगा? हां आएगा। Yes, इसकी वजह से अगर आप देखोगे, इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास जो है वो डिसेलरेट करेगा पीछे की तरफ, है ना? राइट? यस सर। और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखो, इसका एक टॉर्क भी आ रहा है, और वो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में ही एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। आएगा? हां सर। आपको ठीक है, अब देखो इन दोनों का इफेक्ट हो चुका है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वजह से लीनियर वेलोसिटी घटनी शुरू होगी, है ना? यस सर। हां सर। क्या लिखते हैं आप लोग? लिखते रहना साथ में, ठीक है? ये ऐप तो दो बार क्रैश कर चुका है ड्यू टू ACOM। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें, ड्यू टू ACOM लीनियर वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी जिसको VCM कह रहे हैं, ये आपका डिक्रीज करेगा। सही कह रहा हूं मैं? Yes, sir. फिर ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा विल इंक्रीज। होगा? होगा ना? Yes, sir. तो देखो V घटता जाएगा और ओमेगा बढ़ता जाएगा, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन अगर शो करूं, थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन शो कर रहे हैं, देखो तो थोड़ी देर के बाद का वेलोसिटी मैं दिखा रहा हूँ, इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी मान लेते हैं वी हो चुकी है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो चुकी है, क्या ये प्योर रोलिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ सर, आप कर सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं। तो अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए जहाँ पे वी इक्वल टू ओमेगा हो जाए तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और अगर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप कर रही है? नहीं कर रहा सर। नहीं कर रही है। क्या कोई टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है?
टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग मतलब कि नहीं टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग कैसे है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस गैस पे हमने लगा रखा है पैरेलल टू सरफेस? नहीं है तो फिर कहां से टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग क्रिएट होगा? तो टेंडेंसी स्लिपिंग भी नहीं हो रहा है और टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग भी नहीं है, और टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नहीं है इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन वैनिश कर जाएगा। तो इसके बाद फिर अब एक बार प्योरिंग स्टार्ट हो गया तो प्योरिंग स्टार्ट होने के बाद फ्रिक्शन जो है वो नहीं लगेगा, और फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो उसके बाद क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसके बाद फिर जो है ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो आपसे यही पूछते हैं कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है तब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, या एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, या कितने देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ है, ये सारी चीज आपसे पूछते हैं। आपको समझ आई है? समझ आई आपको? तो मैं यही चीज दिखा दे रहा हूँ, यहाँ मान लेते हैं कि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने दो लाइन जो लिखा है इसके नीचे मैं मेंशन कर रहा हूँ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टेज विल कम व्हेन वी बिकम्स इक्वल टू ओमेगा एंड देयर आफ्टर प्योर रोलिंग स्टार्ट्स and friction will cease to act and hence velocity of center of mass becomes constant. अब देखो, अब ये सारी चीजें हमें निकालनी है कि कितने देर के बाद pure rolling start होगा वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले क्या करते हैं, acceleration center of mass निकाल लेते हैं। acceleration of center of mass क्या होगा, net force by mass, net force कितना है, mu mg divided by mass किया तो acceleration of center of mass मिल जाएगी, मिलेगी ना? हाँ सर, ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूँ, देखो now मैं dynamics कर रहा हूँ, acceleration of center of mass is kinetic friction divided by mass which is mu g, इसको मैं first equation कह रहा हूँ, this is the first equation। फिर अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, ठीक है। इस बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस बार आईसीआर नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप कर रहे हैं ना, देखो तो आईसीआर, तो वो पॉइंट क्या हो गया, एक्सेलरेटेड पॉइंट हो गया सर, अब उसमें स्यूडो ट्रांसलेशन करेंगे, इसीलिए उस पे बैठना भी मत, उस पे बैठना मत, अननेसेसरी क्यों उस पे झमेले पे जाना है, जब दिख गया आपको वो एक्सेलरेटेड पॉइंट है तो उस पे बैठो ही मत, और उस पे तो आसान सा तो है, जो फ्रिक्शन है वो वैसे भी क्या, एक वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स है तो उसका टॉर्क निकालना वैसे भी आसान है, तो बस वही करो आप, सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे तो टॉर्क कितना दिखेगा, फ्रिक्शन इनटू आर दिखेगा ना, तो बस वही लिख लेंगे। तो इसको लिख रहे हैं, दिस इज फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एम जी and into R, you get torque and divide by moment differential. मैं moment differential को ICO में रहने दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो shape पे depend करेगा कि आपका कौन सा object को फेंका था, अगर आपने solid sphere फेंका है तो अलग आएगा, disc फेंका है तो अलग आएगा, तो मैं उसके terms में ही छोड़ दे रहा हूँ। तो ये A और alpha दोनों चल चुका है, अब pure condition लिखोगे, at pure rolling, condition क्या होना चाहिए आपका, V का value omega R से match करना चाहिए। अब V की value को क्या हम लिख सकते हैं, ये V naught minus of μg nt होगी, लिख सकते हैं v वैल्यू, v इक्वल टू u प्लस at, यस सर, समझ आ रहा है। और ओमेगा की वैल्यू को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 0 प्लस अल्फा इनटू t लिखना था, प्लस म्यू mg r डिवाइडेड बाय icom इनटू t इनटू r, देखो तो समझ आ रहा है आपको, ओमेगा की वैल्यू को लिखा है ओमेगा नॉट प्लस t v equal to u plus at, वैसे omega equal to omega naught plus alpha t, समझ आया? ठीक है, अभी देखो यहाँ से ये v naught को अलग किया और यहाँ से इस अब mu g को right side में लेके चले जा रहे हैं, तो mu g t RHS में आ गया और expression आपके पास बचा 1 plus, ये हो जाएगा आपके पास m r square divided by ICM and therefore जो time आ रही है आपके पास, time is coming out of t, V naught divided by mu g into ICM divided by ICM plus MR square.
दैट्स इट, ये आपका टाइम हो गया है, मतलब इस टाइम के बाद आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, दिस इज द टाइम आफ्टर व्हिच प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। अब एक बार आपको टाइम मिल चुका है, वंस यू हैव गॉट द टाइम, तो अब आपको वेलोसिटी भी मिल जाएगा ना, v इक्वल टू u u प्लस at वाला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर v इक्वल टू ओमेगा वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी एक में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो देयरफॉर मैं वेलोसिटी की वैल्यू लिख रहा हूं, सो v की वैल्यू एट रोलिंग विल बी इक्वल टू r एंड ओमेगा म्यू i बाई इनटू t, t तो आपको मिल चुका है ऑलरेडी, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, v नॉट बाई म्यू g इनटू icm divided by ICM plus MR square and into R आएगा, ठीक है, मैंने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं है, ये म्यू जी वाला टर्म और ये म्यू जी वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ये ICM वाला टर्म, ये ICM वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, और एक्सप्रेशन जो बची है V की वो आ रही है V नॉट into एक एक्सप्रेशन छूटा है मुझे लग रहा है मास का आ गया, यहाँ पे एक मास छूट गया, यहाँ पे देखो एक मास छूट गया, ये वाला एक्सप्रेशन है म्यू एम जी था वहां पे, म्यू एम जी आर, तो म्यू एम जी इंटू आर ये था, सो यहाँ से ये जी भी कट गया, अब एक बार एक्सप्रेशन आया आपके पास वी नॉट तो है नॉट के साथ एम आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय यार ये आई सी एम एंड प्लस एम आर स्क्वायर आ रही है, देखिए आपको समझ आ गई सभी को, आप एक करो इसमें देखो, अगर मैं रफनेस को बढ़ाता या घटाता हूं, इफ आई एम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रफनेस, द टाइम आफ्टर प्योर रोलिंग चेंज, द टाइम आफ्टर व्हिच प्योर रोलिंग स्टार्ट्स दैट विल बी अफेक्टेड, मतलब अगर आप सरफेस को ज्यादा रफ करोगे तो प्योर रोलिंग जल्दी स्टार्ट होगा, हो गए नहीं, हां सर, बट एक चीज नोटिस करो कि प्योर रोलिंग के वक्त जो वेलोसिटी होगा वो फ्रिक्शन के इंडिपेंडेंट है, मतलब रफ के इंडिपेंडेंट है, दिख रहा है आपको, यस सर, इसका मतलब कि प्योर रोलिंग का जो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं वो फ्रिक्शन के अगर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी को निकालने आसान का भी होना हम, हां सर क्या बोले, वॉइस क्रैक कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो वेलोसिटी है प्योर रोलिंग के वक्त जो आ रही है, ये वेलोसिटी के निकालने का कोई एक आसान तरीका होना चाहिए था जो हमने सोचा नहीं, जो कि वेलोसिटी के फ्रिक्शन के इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, तो अब सोच के रहे कि फ्रिक्शन के इंडिपेंडेंट होने का मतलब अगर मैं फ्रिक्शन को किसी तरह से एलिमिनेट कर सकूं अपने सिचुएशन से, मतलब कि अगर मैं सर्फेस का कोई एक पॉइंट चूज कर लूं, सर्फेस पे कोई एक पॉइंट चूज कर लूं, तो फ्रिक्शन उस सर्फेस थ्रू ही तो पास कर रहा होगा, कर रहा होगा नहीं, और अगर फ्रिक्शन सरफेस के थ्रू पास कर रहा है तो उसका कोई टॉर्क नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा, और एमजी और नॉर्मल रिएक्शन का तो वैसे भी यू नो कोई कपल क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन भी एक है, तो क्या उसकी वजह से टॉर्क आ सकता है, नहीं, तो एमजी और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई टॉर्क नहीं, mg और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई नेट टॉर्क नहीं है, और फ्रिक्शन का टॉर्क आपने वैनिश कर दिया है, तो नेट टॉर्क अगर जीरो होता है तो क्या कंजर्व्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पॉइंट, सो यहां पे देखो मैंने एक पॉइंट a चूज कर लिया और अब देखा यहां पे कि फ्रिक्शन जो है वो इसके थ्रू ही पास कर रही है, तो इससे ये पता चल गया कि टॉर्क अबाउट a ये नेट या कि जीरो आ रही है, और अगर टॉर्क जीरो है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट a इनिशियली जो आनी चाहिए और अभी फाइनली जो आना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए सेम, इनिशियली क्या था सिर्फ ट्रांसलेशन था ना, था ना, और ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं आपको याद है, आर क्रॉस बी, आर बी कनेक्ट किया, देखो ये उसका पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इसको आर ले लेते हैं, बट क्या ये इंपॉर्टेंट है या आर परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, आप खींचो इस लाइन को, खींचो यहां से और देखो यहां से एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लिया, आर परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन, सॉरी रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, नो सर, इस केस में इनिशियल एंगल ऑफ मोमेंटम कितना हो गया, m into v0 into r क्लॉकवाइज, सही है ना,
आपको बोला था ना कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में मूव करा दो और देखो पोजीशन वेक्टर किधर टर्न कर रहा है, तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि अगर ये आगे की तरफ गया तो पोजीशन वेक्टर क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा? अब बात वाले की बात, ठीक है? अब फाइनल सिचुएशन की बात करते हैं। फाइनल सिचुएशन में भी सेम सिचुएशन दिखा रहे हैं। देखो पहले ट्रांजिशन वाले पार्ट के लिए कंसीडर करो, ये तो ट्रांजिशन प्लस रोटेशन का केस है, तो दोनों आपको लेना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन वाले के लिए आपका ये r2 पोजीशन वेक्टर है, तो अब आपको क्या दिखेगा, फिर से वापस से m into v into r क्लॉकवाइज एंड i c o m into omega, ये भी क्लॉकवाइज। सही लिखा है मैंने? यस सर। और देखो आपके पास एक्सप्रेशन क्या रहा है, तो हमें v निकालना था ना, देखो v की वैल्यू कितनी आ रही है, v नॉट इनटू mr स्क्वायर divided by i plus mr। देखो आ गया, फ्रिक्शन का जरूरत पड़ा यहाँ पे? नहीं पड़ा सर, नहीं पड़ा। ठीक है, तो ऐसा जब भी इसको दिखे जहां पे ऑब्जेक्ट को आपने एक सरफेस पे रोल करके छोड़ दिया है, मतलब फेंक के छोड़ दिया है, तो थोड़ी देर के बाद प्योर, वो प्योर रोलिंग का वेलोसिटी निकालने के लिए डायरेक्टली आप सरफेस के किसी भी पॉइंट को चूज करके उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। yes, ठीक है। अगर जैसे इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ट्रांसलेशन देके छोड़ा था, अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा होता, अगर ऑब्जेक्ट को हम रोटेशनल यू नो काइनेटिक रोटेशनल वेलोसिटी देके छोड़ते, इफ द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज विथ a certain angular velocity, instead of linear velocity, then तब का situation क्या होता? पहले इसको mathematically analyze करके सोचो कैसा दिखता आपको। ये object है हमारा, इस बार मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको क्या किया है, एक angular velocity देके छोड़ा है, ठीक है, जिसको ओमेगा नॉट मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपकी सेंटर ऑफ मास की आपकी जीरो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब ये रफनेस है यहाँ पे सरफेस पे, द सरफेस इज रफ अगेन एज अ सरफेस फ्रिक्शन ऑफ म्यू, तो इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिख रहा है, लेफ्ट की तरफ स्लिप कर रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट की तरफ? हाँ सर लगेगी। इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर आएगा, राइट की तरफ, राइट आएगा। इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी, है ना? यस सर, बढ़ेगा स्पीड। बट अगर आप देखोगे तो इसका टॉर्क जो आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, तो इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब वी और ओमेगा वापस से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, होगा नहीं होगा? yes. होगा। तो बस हम वापस से प्योर रोलिंग का कंडीशन में दिखा देते हैं कि चलो ठीक है, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये v आ चुका है, ये ओमेगा आ चुका है, सच की v इक्वल टू ओमेगा हो चुका है और मुझे ये v निकालनी है। तो फिर से हम ऐसे ही कर लेते हैं, अब इतना मेहनत नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लगा लेंगे, इस पॉइंट को ए मान लिया। सो फिर से वही लिख रहे हैं, एल अबाउट ए इनिशियली एंड एल अबाउट ए फाइनली, सेम होना चाहिए। तो अब तो पहले तो ट्रांजिशन था ही नहीं, तो पहले सिर्फ रोटेशन लिखना है, तो रोटेशन के लिए क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, ओमेगा नॉट, that will be equal to finally, and यहाँ पे के लिए क्या लिखोगे? आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताया भी था कि सरफेस, अगर ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है सरफेस पे, तो सरफेस के किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो, वो सीमा याद है आपको? याद है आपको? एक ऑब्जेक्ट जो सरफेस पे रोल कर रहा है, उस रोलिंग ऑब्जेक्ट के सरफेस पे किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, तो सबके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, आपका सेम ही आएगा। तो इसलिए डायरेक्टली आप इसको आईसीआर इनटू ओमेगा भी लिख सकते थे,
मतलब इसको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में अगर लिखते तो एम वी आर प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा लिखते, और इसको डायरेक्टली आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई सी आर इंटू ओमेगा भी लिख सकते हो. आई होप यू गेटिंग, समझ आ रही है आपको? तो देखो आपको यहाँ से अगर देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू मिल जा रही है. ओमेगा की वैल्यू इज कमिंग आउट ऑफ द आईसीओएम डिवाइडेड बाय आईसीआर व्हिच इज आईसीओएम प्लस एमआर स्क्वायर एंड इनटू ओमेगा जाता है. ये ओमेगा ओमेगा नॉट आ जाता. अब ये ओमेगा मिल गया है तो वी की वैल्यू को आप वापस से ओमेगा इनटू आर लिख सकते हो, यहां से वी भी मिल जाएगा. समझ आई सबको? समझ आई है? यस सर. सर वो आईसीआर इनटू ओमेगा क्यों लिखा सर? कौन पूछ रहा है, एक बार नाम बताओ. सर मैं नीलेंदु बोल रहा हूँ. अरे वो तो आप कुछ भी, आपको ये नहीं पता कि पैरेलैक्सिस थ्योरम से वही आएगा v की वैल्यू को जब आप ओमेगा आर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या वही नहीं आएगा, आईसीआर इनटू ओमेगा नहीं आएगा? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है. एमवीआर में v की तो ओमेगा आ रही है ना? हाँ सर. तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो. हाँ सर ठीक है. आप चीजों को भूल रहे हो. देखो आपको लास्ट क्लास का दिखाता हूँ एक बार, आप चीजों को याद नहीं रख रहे हैं. देखो बेटा आपका काम है ये चीजों को याद रखने का जो आपको पढ़ाई जा रही है. मैं आपको दिखाता हूँ, रुको कॉपलिंग से पहले. ये एंग्लो मोमेंट वाले क्लास में आपको सिखाया था. ये देखो सीखा था हमने. आपके लास्ट क्लास है, देखो नीलेंदु. हाँ सर ठीक है सर. एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये सवाल पूछेंगे. चलो ठीक है. एनीवेज तो ये तो आपने सीख लिया है. अब सपोजली आपको वी टाइम निकालना है कितने देर के बाद कूलिंग स्टार्ट हुआ है. तो सिंस आपको v मिल चुका है तो v इक्वल टू u प्लस 80 यूज करके क्या हम टाइम निकाल सकते हैं प्योर रोलिंग का तुरंत से? निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? हाँ सर. तो वही है. तो इसे देखो, मैंने आपको पिछला वाला जो दिखाया था मेथड उसमें उल्टा किया था. पहले यू नो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लिखा, रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लिखा, a निकाला, अल्फा निकाला, फिर प्योर रोलिंग v इक्वल टू ओमेगा r लिखा, v की वैल्यू को u प्लस 80 लिखा, ओमेगा की वैल्यू को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t लिखा. Then, फिर यहां से टाइम निकाला. ये काफी लंबा तरीका था, बट ये तरीके से देखो आपको एक लाइन में मिल रहा है. बस आप पहले एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनली इक्वेट करके आपको वैल्यू v निकाल लेनी है. अब अगर टाइम की जरूरत पड़े तो v की वैल्यू को u प्लस 80 यूज कर लो. आपको समझ आ गया? हां सर. सबको समझ आ रही है? समझ आ रही है ना सभी को? हां सर ठीक है. हां सर. आप लोगों को नींद आ रही है तो मैं अभी जल्दी छोड़ देता हूँ. नींद आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा. आ रही है? अरे हाँ या ना तो बोल दो, इतना तो बोल सकते हो, अभी डर क्यों रहे हो? नहीं सर. नींद आ रही है आप लोगों को? नहीं सर. ठीक है चलो ठीक है फिर. कट आप अगर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस due to force parallel to surface. Parallel surface. Oh, iPad will charge me.
लेंस पे लगाने से आईपैड काफी गर्म हो जाता है। इमेजिन करो कि एक रफ सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर रखा है। ये सरफेस हमें रफ दे रखा उन्होंने, दे हैव गिवन अस दैट दिस सरफेस इज रफ। ये इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास से एक सर्टेन हाइट पे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा रखा है, दिस इज एफ। एंड से सेंटर ऑफ मास के लाइन से जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो एच हाइट ऊपर है, ठीक है, ये गिवन डेटा है, एच हाइट ऊपर है। ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस आपको आर दे रखा है, मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मान लेते हैं, वो भी हमें नोन है, ठीक है, दैट इज दोज आर नोन क्वांटिटीज। अब मान लो उसने ये भी दे रखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, प्योर रोलिंग गिवन है। आपको सबसे पहले ये बताना है कि फ्रिक्शन किस तरह लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बताओ, सोचो फिर बताओ, दो मिनट का टाइम है, ये दो मिनट नहीं, एक मिनट सोचो, एक मिनट में कर जाएगा। फॉरवर्ड सर, आगे की तरफ, आगे की तरफ, कितने लोगों को लग रहा है आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा? अच्छा, कैसे डिसाइड कर रहे हैं तुम? सर वो फोर्स जो लग रहा है सर वो तो क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहा है ना, और ट्रांसलेट भी तो फॉरवर्ड कर रहा है ना। हां सर, तो तुम सिर्फ सोच रहे हो ट्रांसलेशनल इफेक्ट, क्यों नहीं सोच रहे हो? देखो मैं आपको सोचने का एक हिंट बताता हूँ, ठीक है, जस्ट सोचो, इमेजिन करो अगर एच जीरो होता उसके बाद भी पी हो रहा हो तो फ्रिक्शन क्या लगता? सर अगर H जीरो होता फिर क्या बोले? H अगर जीरो होता और तब भी प्योर रोलिंग हो रहा होता तब फ्रिक्शन किधर लगता? सोचने तरीका यही होता, अगर H जीरो होता तो क्या अप्लाइड फोर्स का कोई टॉर्क आता सेंटर? नहीं होता, नहीं होता, नहीं, बट प्योर रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन तो चाहिए ही, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का। हां सर, है ना, तो अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का दिखा रहा हूं कि ये राइट की तरफ है, ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ना। अगर हम हॉरिजॉन्टली अगर लगा रहे हैं तो ऊपर लगाए नीचे लगाए क्या मैटर करता है, राइट की तरफ ही तो एक्सेलरेशन आएगा ना। यस सर, राइट, और अगर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन राइट की तरफ है तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे क्लॉकवाइज चाहिए प्योर रोलिंग के लिए? यस सर, चाहिए ना, ताकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप ना करे। आपको समझ आ रही है? हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, अब ये सोच के देखो, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से ही तो आएगा ना। हाँ सर, आएगा। अब ये सोच के देखो, अगर एच की वैल्यू जीरो है तो उस केस में फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है तो उसका कोई टॉर्क नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क नहीं है और एमजी का नहीं है, क्योंकि एमजी और नॉर्मल रिएक्शन तो एकदम बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड सेंटर ऑफ मास की तरफ से ही एक्ट कर रहे हैं। ये पता चल रहा है आपको? तो नॉर्मल रिएक्शन और एमजी का कोई टॉर्क नहीं है, दिख रही है? दिख रही है? सो अप्लाइड फोर्स पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, देयर इज नो फोर्स और नो फोर्स व्हिच इज क्रिएटिंग अ टॉर्क अदर देन फ्रिक्शन। ये समझ आ रही है आपको? तो अगर फ्रिक्शन को ऐड करना है तो या तो राइट ऐड करेगा या तो लेफ्ट ऐड करेगा, और इसको ऐसा ऐड करना है सच कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉक दे सके, राइट? तो क्या आपके पास एक ही ऑप्शन बचा या नहीं बचा? क्या ये बैकवर्ड्स ऐड करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं?
ठीक है। अब आप सोचो, अब हम क्या करते हैं, अपने अप्लाइड फोर्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते चले जाते हैं। तो अगर मैं अप्लाइड फोर्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते जाऊं तो मेरा जो अप्लाइड फोर्स है उसका भी तो क्लॉकवाइज टॉर्क आना शुरू हो गया, राइट? तो अगर उसका भी टॉर्क क्लॉकवाइज आना शुरू हो गया है, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा था, तो जरूरत से ज्यादा टॉर्क नहीं चाहिए ना? क्या हमें जरूरत से ज्यादा टॉर्क चाहिए? जितना जरूरत है उतना ही टॉर्क चाहिए। तो उस केस में अप्लाइड फोर्स का टॉर्क आता जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है ऊपर शिफ्ट करने से, तो फ्रिक्शन का टॉर्क भी घटता जाना चाहिए। और फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ही घटता जाएगा, राइट? और अगर फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट करने से, अप्लाइड फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट करने से फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, होगा ही नहीं? हां सर, हां सर। जहां पे अप्लाइड फोर्स सफिशिएंट होगा उसको वो टॉर्क देने के लिए। यस यस सर, समझ गए? हां सर। और उसके फर्दर अगर आप ऊपर करोगे तो अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा भी होगा, काउंटर ट्रेंड के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि अब जरूरत से ज्यादा टॉर्क वो प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो जरूरत से ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है तो अब उसका टॉर्क को कमाना भी है हमको, और अगर उसकी टॉर्क को कमाना है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। समझ आई? क्या एनालिसिस आप समझ आया फ्रिक्शन का डायरेक्शन? क्या आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन एनालिसिस समझ आया? ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या आप देखते ही तुरंत बता सकते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है? नहीं सर, या कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा? कैलकुलेशन के बाद। एग्जैक्टली, तो जो आप इतनी इजीली बता दे रहे थे कि राइट की तरफ लगेगा, ये तो गलत हो जाता, समझ आया? क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि फोर्स कितने दूर पे लग रहा है, क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है क्या वो सफिशिएंट है उसको टॉर्क देने के लिए या फिर इनसफिशिएंट है। अगर वो सफिशिएंट होगा तो फिर उस केस में तो फ्रिक्शन के टॉर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के केसेस में आप क्या करते हैं, फ्रिक्शन को एक आर्बिट्री डायरेक्शन आप अज्यूम कर लेते हैं। आप अज्यूम कर लेते हैं कि या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लो। किसी भी वेक्टर के साथ अच्छा चीज क्या होता है आपको पता है? किसी भी वेक्टर के साथ, चाहे वो कोई वेक्टर हो, उसके साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपने डायरेक्शन गलत चूज कर दिया है और इक्वेशन सही लिखा है तो उस केस में उसका वैल्यू नेगेटिव के साथ थ्रो होगा। और नेगेटिव के साथ थ्रो होने का मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन उल्टा है, तुम्हारे चोजन डायरेक्शन से उल्टा है। तो अगर कैलकुलेटेड फ्रिक्शन पॉजिटिव आ जाती है तो उस केस में वही डायरेक्शन है जो आपने चूज किया है, बट अगर कैलकुलेटेड फ्रिक्शन नेगेटिव आती है इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है, उल्टी तरफ एक्ट करेगा। आपको बात समझ आई? हां सर, ठीक है। तो ये चीज मैं जस्ट मेंशन कर देता हूं यहां पे, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और फ्रिक्शन का यहां पे स्टैटिक हो गया है तो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्योर रोलिंग है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं कर रही है, ठीक है। सो यहां पे द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन h as for low values of h the applied force will be having insufficient torque provide the required centripetal acceleration and hence friction acts backward, but with increase in h the torque of F increases, so the requirement of friction decreases and hence at some h friction will cease
to act. Thereafter, if H is further increased, H is further increased. Then, if H is further increased, then the direction of friction will reverse. Direction of friction will reverse. That is, it will act in forward direction. It will act in forward direction. Okay. Thus, when direction of friction is ambiguous, ambiguous, choose any direction, and write down dynamics equation, and if the calculated friction is positive, then it is in our chosen positive direction. Else, for negative, it will be opposite to the direction chosen. जो बातें मैंने बोली वो सारी यहाँ पे आपके एसएस के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए. अब इसका डायनेमिक्स इक्वेशन जस्ट लिख लेते हैं, ठीक है? एक बार इसको जस्ट कॉपी पेस्ट वहां कर देते ताकि जल्दी से आप देख सके वहां पे. बार बार पीछे न करना पड़े. देखो इधर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या इसका आईसीआर है? या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का आईसीआर है या नहीं है? आईसीआर हमारे लिए प्रेफरेबल पॉइंट होना चाहिए यू नो टॉर्क इक्वेशन के लिए. यस, क्योंकि देखो फ्रिक्शन भी उससे पास कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी उससे पास कर रहा है, एमजी भी पास कर रहा है, तो देयर विल बी ओनली वन फोर्स जिसका टॉर्क आ रहा है, वो अपनी फोर्स है. तो बस वो कहते हैं टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू आईसीआर विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट आईसीआर एंड इनवर्स करेंगे. And therefore, torque की value हो गई है F into R plus H. That will be moment of inertia about ICR into alpha. ये हमारी first equation हो गई है. दूसरी equation आपको ये तो पता ही है already ACM equal to alpha है, ठीक है ना? मैं इसको variable की तरह treat नहीं कर रहा हूँ, ये already हमें पता है, ठीक है? अब दूसरी equation है translation के लिए. तो translation की equation क्या लिखोगे आप? F minus of friction will be equal to mass into acceleration of center of mass. और center of mass का acceleration alpha into R है. समझ गए आपको? अब फर्स्ट इक्वेशन से आप अल्फा की वैल्यू को पिकअप करो, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो इसको लिख सकते हैं हम एम आर इनटू, अब अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू को. तो अल्फा की वैल्यू आ रही है एफ इनटू आर प्लस एच डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीआर व्हिच इज आईसी प्लस एम आर स्क्वायर. सो देयरफॉर फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एफ कर लिया, सो ये आएगा 1 माइनस ऑफ m r square plus m r h divided by icm plus m r square r. ठीक है, इसको rearrange करें एक बार. तो यार into icm plus m r square तो कट जाएगा, तो ये आएगा icm and minus of m r h divided by icm plus m square. इसमें से एम आर स्क्वायर से इसको इस पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन आएगा एफ इनटू आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर माइनस ऑफ एच बाय आर एंड डिवाइडेड बाय आईसीएम बाय एम आर स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, आपको रिजल्ट दिख रहा है सबको?
अब देखो ये रिजल्ट अगर आप याद रखोगे ना तो आप तुरंत से बता पाओगे कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगे या बैकवर्ड लगे या कैसे है? अब ये सोच देखो अगर अगर ICOM by MR square की वैल्यू अगर greater than H by R हुई तो ये फ्रिक्शन पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है बताओ फ्रिक्शन पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब हमारा चोजन डायरेक्शन और हमारा चोजन डायरेक्शन क्या था बैकवर्ड था ना तो फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड अगर फ्रिक्शन अगर ICOM by MR square अगर इसकी वैल्यू लेस देन एच बाय आर हो गई इसका मतलब नेगेटिव आ गया और नेगेटिव आने का मतलब फ्रिक्शन ऑपोजिट टू चोजन डायरेक्शन फ्रिक्शन एक्ट्स फॉरवर्ड और अगर ICOM by MR square की वैल्यू अगर इक्वल टू एच बाय आर हो गई है इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है और फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है सफिशिएंट टॉर्क इसका मतलब अप्लाइड फोर्स सफिशिएंट टॉर्क दे रहा है इसका मतलब मतलब फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है इसमें फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है इसका मतलब प्योर रोलिंग कैन टेक प्लेस इवन ऑन स्मूथ सरफेस है ना हां सर प्योर रोलिंग कैन टेक प्लेस इवन विदाउट फ्रिक्शन Without friction, बिना friction का भी हो सकता है बट उस केस में आपको एक पर्टिकुलर जगह पे ही फोर्स लगाना पड़ेगा जैसे अगर सपोजली मान लेते हैं ये डिस्क होता और डिस्क के लिए मैं जो बोलता कि कहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं सच की प्योर रोलिंग हो जाए और वो सरफेस स्मूथ दिया हुआ है तो स्मूथ सरफेस पे प्योर रोलिंग कराने के लिए आपको एक ही पर्टिकुलर जगह पे फोर्स लगाना है वह कहाँ पे होगा एच इक्वल टू आर बाई टू पे होगा नहीं होगा क्योंकि ICOM का वैल्यू कितना होता है तो mr square by 2 by mr square कितना हो गया हाफ इसका मतलब h का वैल्यू कितना आ गया r by 2 अगर यही चीज अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो उसके लिए कितना आता 2 by 5 mr square तो 2 by 5 mr square by mr square मतलब 2 by 5 मतलब h का वैल्यू कितना होना चाहिए था 2 by 5 r तो 2 by 5 r पे से लगा तो देखो अब जो भी ऑब्जेक्ट है सारे ऑब्जेक्ट के लिए आपको ICOM का वैल्यू पता है ना पता ही नहीं पता है पता है सर तो ऑब्वियसली ICOM mr square पता चल गया और ICOM by MR square का वैल्यू पता चल गया इसका मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू आप तुरंत प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड लगेगा कर सकते हैं या नहीं हां सर हां सर